क्रिकेट की दुनिया के दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं। आप सुन रहे हैं क्रिकेट अनफोल्ड से लाइव कमेंट्री। मैं हूं आसिम जराजपुरी, मेरे साथ मोहम्मद इकबाल। क्रिकेट अनफोल्ड यानी इकबाल स्पोर्ट्स 2 जिसका पुराना है नाम। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला का इन दोनों टीम्स के बीच दूसरा मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने को है और इस श्रृंखला का ये 5वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है और जिस मुकाबले के लिए भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो तमाम सुनने वालों को, सभी सुनने वालों को हार्दिक हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे इस कमेंट्री सेशन का इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और देखकर बिल्कुल दिल खुश हो गया कि हमारे इतने साथी इस हमारे नए चैनल पर इंतज़ार कर रहे थे। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस मुकाबले को लेकर बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, गुड नाइट कहें कि गुड इवनिंग कहेंगे, गुड लेट इवनिंग, गुड इवनिंग जहां भी आप सुन रहे हैं दुनिया भर में। दोस्तों आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस T20 मुकाबले के लिए भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं भारत की प्लेइंग 11। यस्तिका भाटिया, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, रोड्रिगेज यानी जमाइमा रोड्रिगेज, देविका वैद्या, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव, शिखा पांडे और राजेश्वरी गायकवाड़, ये टीम नजर आ रही है और आज भारत के लिए अमनजोत कौर को आराम दिया गया है और आज टीम में पूजा वस्त्राकर को मौका मिला है। आज एक बल्लेबाज को बढ़ाया गया है इस मुकाबले को देखते हुए और वहीं पर दक्षिण अफ्रीका की जो प्लेइंग 11 है तमाम साथी देख सकते हैं अपने स्क्रीन्स पर और निश्चित तौर पर इस प्लेइंग 11 पर भी हमारी नज़र रहेगी। लॉरा हैं, टैजमीन खाप, सोनुलूस जो कप्तान हैं इस टीम की, ट्रायन है और आज डैक्सन जो ऑलराउंडर हैं इनको आज टीम में शामिल किया गया है, क्लार्क हैं और आज शबनम इस्माइल भी हैं, फास्ट बॉलर, दुनिया की तेज तरीन फास्ट बॉलर्स में शुमार होती हैं, मलाबा हैं, टूमी है और सिनालो। तो आज तब्दीली हुई है दक्षिण अफ्रीकी टीम में भी। शिखा पांडे भारत के लिए साथ में गेंदबाजी करती हुई नज़र आएंगी आज, शिखा पांडे जो कि तेज़ गेंदबाज हैं भारत के लिए इस मुकाबले में नजर आएंगी। तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, क्रिकेट अनफोल्ड सुन रहे हैं आप और इस वक्त हम हाजिर हैं अपने कहे हुए समय के अनुसार आप तक पहुंच रहे हैं। राजेंद्र वर्मा जी हाय कहते हैं और शौकत अली अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम। हरी शंकर हैं, कालू शर्मा सौबे कुछ कहते हैं वो, और सिंह बलवान कहते हैं गुड इवनिंग फ्रॉम इटली, वेरी नाइस कमेंट्री। सिंह बलवान जी क्या कहने, आप इटली में हैं, इटली में कहाँ हैं ये भी बताएं आप। इस वक्त जो कमेंट्री सुन रहे हैं हमारे साथ राजेंद्र वर्मा, हरी शंकर के साथ साथ कुछ ऐसे साथी हैं जो शुरू के वक्फे में जुड़े थे जिनका की कमेंट हम ज़रूर शामिल करेंगे, जिन्होंने शुरुआती कमेंट्स किए थे। राजकुमार गुप्ता मैच कब शुरू होगा पूछ रहे हैं, 10:30 बजे शुरू हो जाएगा, हम लाइव आ चुके हैं। मिंटू सोनी हैं इस वक्त, अरविंद राजभर हैं, अमलेश राजपूत हैं, आरसी मीना जी हैं, सर जल्दी से क्रिकेट की कमेंट्री लेकर आना जी। बिल्कुल आ गए हैं जी, जल्दी जल्दी हम क्रिकेट की कमेंट्री लेकर, और अयूब रजा हैं अमलेश के साथ साथ, मैं इलाहाबाद से हूँ अयूब रजा कह रहे हैं, और अमलेश के साथ साथ सुनील रॉय, गौरी शंकर, अभिलेश कुमार, अरविंद राजभर, यूपी आजमगढ़ से हूँ सर, बिल्कुल बड़दा से हैं मेरे ख्याल से आप, पहले भी आपका कमेंट हमने देखा है और इस वक्त तमाम साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। बफेलो पार्क का मैदान है, इसी मैदान पर तमाम मुकाबले खेले गए हैं और इस वक्त भारत ने टॉस जीत कर इस मुकाबले में पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ईस्ट लंदन है शहर और ये 5वां T20 मुकाबला। मैं हूं आसिम जराजपुरी और स्वागत करूंगा मोहम्मद इकबाल का, स्वागत। बहुत शुक्रिया आसिम, तमाम दोस्तों को नमस्कार, आदाब, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत हमारे चैनल क्रिकेट अनफोल्ड पर। जैसा हमने वादा किया था कि
भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच जो मुकाबला होगा उसकी लाइव कमेंट्री लेकर के हम हाजिर होंगे। तो अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आज आपके साथ। हमारे साथ मंजुनाथ नायक जी हैं। धन्यवाद सर, कंट्री कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है आपकी, बहुत शुक्रिया मंजुनाथ जी। राजेंद्र वर्मा जी हैं और इसके अलावा अभिलेश कुमार जी हैं, मार्मिक पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरेश कुमार जी हैं, राजेंद्र वर्मा जी, शेखर दास जी, अजय पटेल कहते हैं इकबाल भाई हमारा कमेंट नहीं लेते हो। ऐसा नहीं अजय भाई, आप तो उन दोस्तों में से हैं जो सबसे शुरुआती दिनों में हमारे साथ जुड़े थे, तो आपका अगर कमेंट कई बार नहीं भी लिया जाए तो आपको बुरा मानना नहीं है, क्योंकि आप पर तो हमारा ज़्यादा हक है। रविशंकर जी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सर जी कान है, समझ नहीं आया सर आपका कॉमेंट। रविशंकर जी का कॉमेंट समझ नहीं आया। राजेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं सारा मेरी जिंद मेरी जिंद मेरी। अच्छा जी, रंजन कुमार शुक्ला जी हैं, नमस्कार सर। नमस्कार जी रंजन भाई। हमारे साथ सतीश गौंड जी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश गौंड जी। अखिलेश यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजमगढ़ से, आपका भी बहुत स्वागत है। शौकत अली जी कहते हैं इकबाल स्पोर्ट्स में सब्सक्राइब किया, तब आपके सब्सक्राइब 259 थे। जी हाँ, आप बहुत पुराने हमारे दोस्तों में से हैं। राजेंद्र वर्मा जी, स्पेशल क्रिएटिव है आपका कमेंट, ग्रेट कमेंट्री, ग्रेट है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। गौरी गुप्ता जी हाई कह रही, गौरी गुप्ता जी हेलो। रंजन कुमार जी कह रहे हैं नाइस कॉमेंट्री सर दिस चैनल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवगन महतो जी हैं, वेरी नाइस कमेंट्री कह रहे हैं। सतीश शिंदे जी हमारे साथ के जुड़ गए हैं, सर ओपनर जोड़ी कौन सी है प्लीज नाम बताइए। जी आज भारत की तरफ से जो ओपनिंग होगी उसमें एक नाम तो जो है यस्तिका भाटिया का होगा और दूसरा नाम जो होगा वो स्मृति मंदाना का होगा, तो दो ये खिलाड़ी भारत की तरफ से ओपन करते हुए नजर आएंगे। सुरेश राजपुरोहित जी हाई कह रहे हैं। कुमार सरोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। गोलू रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोलू रावत एमपी से हैं, बहुत स्वागत आपका। गड्डी कंवर जी हमारे साथ हैं, मैं भी आपका नया मेंबर हूं, नाम ले लीजिए। जी हाँ गड्डी कंवर जी, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद राजभर जी नमस्कार कह रहे हैं इकबाल सर और आसिम सर और सभी दोस्तों को भी नमस्कार। जी हाँ अरविंद राजभर जी, बहुत अच्छा कॉमेंट है आपका, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, तमाम दोस्तों का बहुत अभिनंदन। नजीमुद्दीन काजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप। तो मुकाबला शुरू होने को है, दक्षिण अफ्रीका की टीम इस वक्त मैदान पर प्रवेश कर रही है और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस मुकाबले में टॉस जीता है दक्षिण अफ्रीका ने, बल्कि भारत ने, और टॉस जीत करके भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो इस वक्त भारतीय टीम मैदान पर प्रवेश कर रही है, भारतीय दोनों ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ रही है और इस वक्त दोनों ओपनर्स से भारतीय टीम कोशिश करेगी कि एक अच्छी शुरुआत मिले, क्योंकि भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले में अच्छी शुरुआत नहीं की थी जो वेस्टइंडीज़ के खिलाफ मुकाबला खेला गया था। हालांकि भारत ने उस मुकाबले को जीता ज़रूर था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर शुरुआत की बात करेंगे तो भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। भारत इस टूर्नामेंट में, इस श्रृंखला में तीसरा मैच आज खेलने के लिए उतरा है। इससे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला जहां भारत ने जीता था, इसके बाद फिर वेस्टइंडीज़ के खिलाफ भारत ने मुकाबला जीता था, तो दो मैचेस भारतीय टीम जीत चुकी है इस त्रिकोणीय श्रृंखला में और इस वक्त भारत अपना चौथा मैच खेलने के लिए उतर रहा है। रथिक भाई प्लेइंग इलेवन कहाँ से लिया जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स बताते हैं या अन्य तमाम साइट्स हैं वहाँ अवेलेबल हैं और वहाँ से आप भी ले सकते हैं अगर आप को इसकी ज़रूरत है। मिंटू सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक कुमार जी हैं, हेलो सर व्लॉगर लवर कह रहे हैं। ऋतिक भाई को जवाब आपका मिल गया होगा सर। सुनील कुमार कह रहे हैं वेरी नाइस। अजय पटेल कह रहे हैं भाई मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बस कह रहा हूँ आप तो बड़े भाई जैसे हो। बिल्कुल अजय भाई, ऋतिक का हमने कॉमेंट ले लिया। नजीमुद्दीन काजी कह रहे हैं वेमेंस वर्ल्ड कप लाइव क्रिकेट कॉमेंट्री। वेमेंस वर्ल्ड कप का तो नहीं सर, अंडर 19 वर्ल्ड कप से हालांकि बहुत अच्छी खबर है, भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई थी कल का मुकाबला जीत करके, और कल क्या जबरदस्त उलटफेर हुआ दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, जहां इंग्लैंड ने 99 रन बनाए और उससे कम में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया और फाइनल में इंग्लैंड की टीम पहुंच गई है। और इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने से भारतीय टीम की जो संभावनाएं हैं टूर्नामेंट जीतने की वो काफ़ी बढ़ गई हैं, क्योंकि एकमात्र टीम ऑस्ट्रेलिया ही थी इस विश्व कप में, अंडर 19 विश्व कप में, जहां भारत मुकाबला हारा था। अन्यथा जितने भी मैचेस इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम खेली है
तमाम मुकाबले भारतीय टीम ने जीते हैं। तो यकीनन अब भारतीय टीम की जो उम्मीद है वो अब बढ़ी हुई है, भारतीय टीम से अब उम्मीदें बढ़ी हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि जो फाइनल मुकाबला होगा वो भारत जीत करके ट्रॉफी भारत लेकर के आएगी। हमारे साथ विदयालाल महतो जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। शत्रुघ्न कुमार जी हैं, कह रहे हैं आपकी कमेंट्री सुनकर हमें बहुत सुंदर ही बहुत खुश रहता हूं। क्या बात है शत्रुघ्न जी, आप अगर खुश रहते हैं तो इससे बढ़ करके कोई बात हो ही नहीं सकती। खुशी बहुत अनमोल चीज़ है और खुशी बहुत जल्दी से मिलती नहीं है, हालांकि खुशी जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उपलब्ध है, अवेलेबल है, लेकिन आपको उसको देखने परखने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप हमारी कमेंट्री सुन करके खुश होते हैं तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मोहित निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिंह बलवान जी हमारे साथ, ये हमें इटली से सुन रहे हैं। प्रमोद कुमार जी हैं, हाय सर कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं प्रमोद भाई। सुदेश तोमर जी, खाना पीना हो गया भाई? जी बिल्कुल, अभी अभी हमने खाना खाया है। मुयस्सर आलम जी हमारे साथ हैं, वालेकुम सलाम। सुरेश राजपुरोहित जी कह रहे हैं सर आपके बोलने का अंदाज निराला है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सुरेश भाई। ए के सिंह हरियाणवी, लव यू ब्रो, लव यू। मोहित सिंह, मोहित निगम कह रहे हैं हेलो मोजी। मोहित जी स्वागत है आपका। राजू मंडल जी हैं, कह रहे हैं सर आपकी कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गए हैं। ऋतिक हमारे साथ हैं, प्लेइंग 11 ऐसा अगर चाहिए तो बनाना पड़ता है ऋतिक भाई, ये बनाना पड़ता है और हमने भी जो है इसको बनाया हुआ है। मोहित निगम जी, इसके अलावा हमारे साथ धार्मिक पांड्या जी जुड़ गए हैं, हाय सर हेलो। सत्येंद्र कुमार लोढ़ी जी हमारे साथ हैं, प्रणाम सर जी, प्रणाम सत्येंद्र भाई। अरविंद राजभर कह रहे हैं सर सुंदर ने कल क्या डट के बैटिंग की, कल के मैच भले ही इंडिया हारी हो लेकिन मज़ा आ गया। जी हाँ बिल्कुल, कल भारत ज़रूर मुकाबला हारा लेकिन भारत की टीम लड़ी ज़रूर, और ख़ासतौर पर वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर अभी लाइव मैच दिखाएंगे ना, लाइव मैच दिखाएंगे नहीं लेकिन कमेंट्री आपको सुनाएंगे, जो कमेंट्री आप रेडियो में कभी सुना करते थे वो कमेंट्री आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगी। कृष्ण कुमार जी हैं, हर हर महादेव, लव यू सर। मोहित निगम जी थैंक्स सर। रामदत्त जी आ गए हमारे साथ, स्वागत है रामदत्त भाई। सोनम ओब्रॉय हमारे साथ हैं, कह रहे हैं सर यू आर द बेस्ट। शुक्रिया सोनम ओब्रॉय, बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स वाला हाई कह रहे हैं, जगह मोदी कह रहे हैं हाय मोहित क्या हुआ। महावीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, यू आर ग्रेट, जय भीम। जी हाँ सर थैंक यू, जय भीम। शौकत अली हमारे साथ है, कह रहे हैं मैं आपके चैनल पर पोस्ट देखी तब से ईश्वर का तक मेरा डेटा ऑफर यूके में आपकी कमेंट्री सुनी थी। अच्छा जी क्या बात है, जी क्या बात है, बहुत शुक्रिया। राजू मंडल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का। मुकाबला सिर्फ एक मिनट में अब शुरू होने वाला है। टॉस जीता है भारत ने, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और इस वक्त दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भारत की तरफ से यस्तिका भाटिया और स्मृति मंदाना मैदान पर पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम इस वक्त मैदान पर है और चंद लम्हों में ये मुकाबला शुरू होने जा रहा है। माइक्रोफोन पर पहली गेंद का विवरण लेकर आएंगे आसिम जयराजपुरी। धन्यवाद इकबाल। इस वक्त बफेलो पार्क का जो ये मैदान है इसके ऊपर कुछ काले बादल भी घिरे हुए हैं और हल्की फुल्की बारिश की भी आशंका इस मुकाबले में जताई जा रही है। आज स्मृति मंदाना को एक बढ़िया पारी खेलनी होगी। ये अलग बात है कि टूर्नामेंट में अभी तक भारत ने दोनों ही मुकाबले जीते हैं और निश्चित तौर पर दक्षिण अफ्रीका और भारत एक तरह से फाइनल खेलने की हकदार भी बन चुकी है, लेकिन भारत को अपनी लय को प्राप्त करना होगा। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्मृति मंदाना के आंकड़े, इस वक्त 109 मुकाबलों में 2646 रन, 27 का औसत रहा है, 123 का स्ट्राइक रेट और 86 रन उनका उच्चतम स्कोर रहा है। जमाइमा रॉड्रिगेज से भी बड़ी उम्मीदें हैं भारत को। आज ओपनिंग की जिम्मेदारी रॉड्रिगेज को दी गई है। जमाइमा रॉड्रिगेज जो कि मुंबई से आती हैं, मुंबई छी मुलगी हैं जमाइमा रॉड्रिगेज, 72 मुकाबलों में 1518 रन, 29 का औसत, 113 का स्ट्राइक रेट, 76 रन उनका टॉप स्कोर। आप अपने स्क्रीन पर साथियों देख सकते हैं जो आंकड़े हैं स्मृति मंदाना के बाद जमाइमा रॉड्रिगेज के। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच
इस मुकाबले में ये इस श्रृंखला में ये दूसरी बार भिड़ंत हो रही है और गेंदबाजी के लिए संभवतः काप जो हैं वो तैयार हो रही हैं। अंपायर ने इशारा भी कर दिया है। दाहिने हाथ की मध्यम गति की तेज गेंदबाज सामने बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंदाना एक स्लिप के साथ पहली गेंद का सामना करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव के लिए गई और गेंद बल्ले के ऊपर से चली गई विकेटकीपर के दस्ताने में। बल्कि शबनम इस्माइल आज टीम में शामिल हैं तो वो गेंदबाजी के लिए आएंगी। काफ़ी रफ्तार है इस गेंदबाज के पास और इस श्रृंखला में आज भारत के खिलाफ गेंदबाजी करती हुई शबनम इस्माइल दाएं हाथ की तेज गेंदबाज सामने उच्च कोटि की बल्लेबाज स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपनी अटैकिंग इंस्टिंक्ट को थोड़ा रोकना होगा अगर क्रीज पर मुझे रुकना है, जो कि मेरी कमी पिछले कुछ पारियों में रही है। तो हो सकता है कि आज रुक कर खेलने की कोशिश करें। एक बार फिर से रफ्तार से मात देती हुई ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, फ्लैश किया लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से शॉट से पहले ही निकल गई और विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंचती हुई। अच्छी शुरुआत करते हुए शबनम दक्षिण अफ्रीका की दाएं हाथ की तेज गेंदबाज। बफेलो पार्क का ये मैदान ग्रास बैंक पर काफ़ी फैमिलीज नज़र आ रही हैं, पिकनिक मना रही हैं और अच्छी खासी तादाद में इस वक्त दर्शक इस मुकाबले का मजा लेते हुए। ईस्ट लंदन है शहर। अगली गेंद इस बार फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को ड्राइव किया लेकिन सीधा कवर्स के फील्डर के हाथों में गेंद को खेल दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। अभी तक भारत की रन संख्या शून्य है। ये पहला ओवर चल रहा है। आज भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 आज यस्तिका भाटिया, स्मृति मंदाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, जेमाइमा रोड्रिगेज, देविका वैद्या, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर आज इस टीम में शामिल हैं और साथ ही साथ शिखा पांडे, राजेश्वरी गायकवाड़ टीम में शामिल। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर इस गेंद को कट करने की कोशिश, बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराकर ऑफ स्टंप के बेहद करीब से गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्ताने में। एक वक्त को लगा शबनम को कि गेंद विकेटों में चली गई और वो खुशी मनाने लगी थी, लेकिन देखा कि बेल्स तो विकेटों में लगी हुई है और वापस अपने बॉलिंग के निशान की तरफ भागती हुई। स्मृति मंदाना और जेमाइमा रोड्रिगेज की ये जोड़ी इस श्रृंखला का जो फाइनल है वो 2 फरवरी को खेला जाएगा शाम के 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार और हम फाइनल के भी कमेंट्री के साथ लाइव आप तक पहुंचेंगे। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर खूबसूरत ड्राइव लेकिन उतने ही बढ़िया फील्ड प्लेसिंग, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छा ओवर पहला दक्षिण अफ्रीका की तरफ से होता हुआ। इस मुकाबले में भारत ने टीम में 2 चेंजेस किए हैं और हमारे साथ भूरा विश्वकर्मा और कैलाश पांचाल हैं, कहते हैं कमेंट्री बहुत अच्छी है। मोहम्मद एजाज हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सलमान रियाज, न्यूजीलैंड का मैच कब है, कहाँ है? तो न्यूजीलैंड का मैच तो कल है साहब, कल शाम को। अरुण कुमार सिन्हा हैं, गुड इवनिंग सर, क्या आज 28 जनवरी को मैच हो रहा है? जी बिल्कुल, आज 28 को हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया ड्राइव लेकिन एक बार फिर से कवर के फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। काफ़ी मजबूत फील्डर्स कवर्स में और बढ़िया डाइव लगाकर फील्डिंग करते हुए पहला ओवर मेडन खेला है बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने। हालांकि कोशिश की थी गेंद को गैप में निकालने की लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिलती हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने। आपको पूरा ब्यौरा दे देते हैं जितने भी हमारे साथ सुनने वाले इस वक्त मौजूद हैं क्रिकेट अनफोल्ड पर। दोस्तों आज 28 जनवरी है, रात के भारत में 10:34 हो रहे हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका की जो महिला टीमें हैं, जो विमेंस टीम है, वो एक दूसरे के सामने T20 मुकाबला खेल रही हैं, इस श्रृंखला का 5वां। और 29 तारीख को यानी आने वाले दिन शाम को 7 बजे यानी 7:45 बजे भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मुकाबला जो कि खेला जाएगा लखनऊ में और उसकी लाइव कॉमेंट्री के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। इस वक्त दूसरे ओवर की शुरुआत होनी है और मलाबा जो कि स्पिन गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इस मुकाबले में अपना पहला टीम का दूसरा ओवर लेकर हाजिर होती हुई। मलाबा चली लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जेमाइमा रोड्रिगेज ने पॉइंट की तरफ खेला और कोई रन नहीं मिलेगा। AK सिंह हरियाणवी साहब, बहुत दिनों के बाद। पूजा अच्छी ऑलराउंडर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया ऑलराउंडर हैं और साथ में शिखा पांडे भी बढ़िया ऑलराउंडर हैं, तो आज टीम में अच्छी तब्दीली हुई है। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बीट होती हुई, जेमाइमा रोड्रिगेज फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को सीधे बल्ले से रोकने की कोशिश। 8 गेंदें इस मुकाबले में हो चुकी हैं और कोई रन यहां पर नहीं आया है। तो मंदाना ने कहा था कि वो काफ़ी संभल कर खेलेंगी,
तो बहुत ज्यादा संभल कर खेल रहे हैं। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया प्लेसमेंट कवर्स में ड्राइव लगाया है और चार रन मिलेंगे जेमाइमा रोड्रिगेज को और साथ में भारत को। भारत की इनिंग खुलती हुई, खाता खुलता हुआ, पहला स्कोर चढ़ता हुआ बोर्ड पर चार रनों का इस खूबसूरत शॉट से। जेमाइमा रोड्रिगेज को भी कॉन्फिडेंस मिला होगा। पिछले टूर्नामेंट में हमने देखा था इकबाल, भारत का दौरा जब ऑस्ट्रेलिया ने किया था तो अच्छी शुरुआत की थी रोड्रिगेज ने, लेकिन कन्वर्जन अच्छा नहीं था। आज उम्मीद है कि भारत को टॉप ऑर्डर पर दो बढ़िया बल्लेबाज आज मौजूद हैं। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी। और जेमाइमा रोड्रिगेज का फॉर्म हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ समय में, और ऐसे में उनसे ओपन कराने का यहां पर फैसला लिया गया है। अगली गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेला रोड्रिगेज ने, गेंद गई कवर की दिशा में, रन बनाने का कोई मौका नहीं। चार रन बिना किसी विकेट के नुकसान के इस वक्त भारत का स्कोर है। दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ, अगली गेंद मलाबा की और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर, थोड़ी सी मिसफील्ड फॉलो थ्रू में। रन के लिए निकलना चाहती थी दोनों बल्लेबाज, लेकिन दरअसल वहां रन था नहीं और ऐसे में डॉट डिलीवरी आती हुई मलाबा के द्वारा। 1.5 ओवर, भारत चार रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। काफी धीमी शुरुआत टीम इंडिया की इस वक्त होती हुई। रामविलास मौर्य जी हमें सऊदी अरब से सुन रहे हैं, बहुत स्वागत रामविलास जी। अगली गेंद और इस बार फिर से फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, ड्राइव किया इस गेंद को, सीधे मिड ऑफ के फील्डर के पास गेंद पहुंची, एक और डॉट डिलीवरी और इस तरह से दूसरा ओवर समाप्त हो गया है। और दो ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद स्कोर है भारत का चार रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। लेकिन इस वक्त स्थिति जो है मैदान पर यह है कि बहुत तेज बारिश अचानक से मैदान पर आ गई है और खिलाड़ी मैदान से बाहर जाने लगे हैं। ये एक व्यवधान इस मुकाबले में पड़ता हुआ, तेज वर्षा हालांकि इतनी भी तेज नहीं है, एक पासिंग शार जिसको कहते हैं, जब बादल ऊपर से गुजरते हैं तो बारिश होती है और वो बारिश जो है जब बादल गुजर जाता है तो फिर बारिश भी रुक जाती, कुछ वैसा ही पासिंग शार यहां पर दिखाई देता हुआ। और इस समय जो है खिलाड़ी वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ गए हैं। भारत का स्कोर है दो ओवरों के बाद चार रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। जेमाइमा रोड्रिगेज चार पर हैं और स्मृति मंदाना शून्य पर बल्लेबाजी कर रही हैं। फिलहाल मैच जो है बारिश के कारण रोकना पड़ा है इस वक्त ईस्ट लंदन बफेलो पार्क में। जी हाँ, इस वक्त मुकाबले को लेकर जैसे ही शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि बादल हैं इस मुकाबले में व्यवधान ला सकते हैं और दो ओवर्स के बाद बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये पासिंग शावर है, बहुत लंबे वक्त तक बारिश नहीं होगी। लेकिन हो सकता है भाई इंद्रदेव की क्या यहाँ पर मंशा हो। गरिमा है कहती हैं, सर मैं नेपाल से देख रहा हूँ लेकिन भारत हारता है तो दुख लगता है, लेकिन खेल कर नियम जितना हार है। मैं समझ रहा हूँ गरिमा का जो ये कमेंट है, उनका कहना है कि भारत की हार उनको अच्छी नहीं लगती। तो भारत इस श्रृंखला में अभी दो मैच जीत कर विजयी रहा है। गरिमा तो उम्मीद है कि भारत अच्छा खेल रहा है। शेखर दास हैं, राम राम जी कहते हैं। राम राम जी, क्या हाल हैं आपके? शेखर दास जी कहाँ से बोल रहे हैं? भूरा विश्वकर्मा, मैं किस जगह पर हो रहा है भाई? मैच हो रहा है दोस्तों ईस्ट लंदन साउथ अफ्रीका में और इस मैदान का नाम है बफेलो पार्क। बफेलो यानी भैंस, जिसको आप समझ सकते हैं। बारिश ज़्यादा होगी? नहीं रामविलास जी, बारिश बहुत ज़्यादा होने की आशंका तो नहीं है। कुवैत से हमारे साथ शमशाद राजा है, नमस्ते करते हैं। बहुत शुक्रिया जी शमशाद जी। और चुनीलाल बाबू भी हैं। चुनीलाल राजेंद्र वर्मा, सर पृथ्वी शॉ कल खेलेगा कि नहीं? ये सवाल तो अच्छा है आपका और मुझे लग रहा है कि खिलाना तो चाहिए जैसा पिछले मैच में टीम खेली है। डीके बेस्ट फैक्ट की तरफ से, सर मैं मुंबई में कहाँ से डीके भाई? अजय निषाद जौनपुरिया है तो जौनपुर से होंगे। ए के हरियाणवी, अरविंद राजभर, मोहम्मद हुसैन भाई आप कहाँ से हो? रंजीत जी हैं हमारे साथ, रविशंकर सलोनी और लक्ष्मी वर्मा, मनोज गुप्ता भाई लाइव कहाँ पर दिखेगा? बुद्धराम हिंगल्स कहते हिंगलाज हैं, द लवर कुमावत साहब हैं भाई, सभी भाइयों को राम राम जी। राम राम तने भी, राम राम भाई साहब। मालिक निशात यहाँ पर, रेवती जी हैं, मार्मिक पराशर, इकबाल स्पोर्ट्स पर कमेंट्री आ रही क्या? इकबाल स्पोर्ट्स पर इनका सवाल इंटेलिजेंट सवाल है, ये कमेंट्री क्रिकेट अनफोल्ड पे आ रही है। इकबाल स्पोर्ट्स पर इस वक्त सब लोग सो रहे हैं, ठीक है ना। चुन्नीलाल बाबू हैं, VM एजुकेशन क्लास, सर आई एम बनसवारा। अच्छा जी। और ओम प्रकाश चौरसिया इंदौर से
जी बिल्कुल, खूबसूरत शहर है जेपी शर्मा। हाई इंडिया विल विन द मैच होपफुली सर। और आदाराम वर्मा हैं गंगानगर से, गंगानगर बॉर्डर है ये, है तो वैसे राजस्थान में लेकिन पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर पड़ता है। सत्यम कश्यप भी हमारे साथ हैं और सतेंद्र कुमार लोधी भी हैं, आकाश व्लॉग्स, मंगल सिंह, हर हर महादेव कहते हैं हर हर जी महादेव, ब्रजेश कुमार सऊदी अरब से, कुशाल जावंत जी हैं, मेवाराम जी हैं, रिंकू यादव हैं, विशाल थापा हैं, राजेंद्र वर्मा हैं, डब्लू शर्मा है, राणा सिंह है और नासिर शेख भी हैं, सत्यम कश्यप हैं, इश्तियाक अंसारी हैं। कुशाल जी ने काफ़ी प्रैक्टिस की है लग रहा है। प्रैक्टिस तो अब क्या ही मुंह खुलवाएं। किसी का कंप्यूटर मोबाइल देखने के लायक तो नहीं होगा। अमृतकाल, रमाकांत कुमार, गुड नाइट सर, गुड नाइट नहीं जी, जागी है अभी। राम राम जी, राजू मंडल हैं, राजेंद्र कुमार, टीम यहाँ पर टीम खासी और नरेंद्र नेतम, लाइव ऑन हॉटस्टार डिज्नी जी बिल्कुल, टीम जी इंद्रजीत कुमार हैं, राम राम सर, राम राम जी। और शिवालिक सोलंकी, हेलो हेलो शिवालिक, मॉस्को टेलर्स इंडिया झारखंड से, असलम ओके जी, इंडिया झारखंड में कहाँ से ये भी बताइएगा। ए के सिंह हरियाणवी भी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार काफ़ी दिनों के बाद हरियाणवी साहब आ पाए, कहाँ थे। रामविलास जी हैं, बारिश बेकार कर दिया। अभी रुक जाएगी भाई, कोई बात नहीं है। सुहेल साया जी हैं, आजम धोनी, मदन मोहन, हुकुम सिंह, दया सिंह, राकेश, बाके बिहारी के नाम लो भाई, बिल्कुल जी सर, गुड नाइट नहीं सर, गुड मॉर्निंग। और वालाराम पटेल भी हैं, अखिलेश कुमार, हुकुम का इक्का बॉस, मनोज गुप्ता, रिशु हमारे साथ हैं। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस मुकाबले में। ज़रूर थोड़ी सी बारिश आई है। प्रतापगढ़ से हिमांशु हैं और मुंबई से हाई कहते हैं विक, मेरे ख्याल से नागेश्वर हैं और हिमांशु हैं प्रतापगढ़ से। अनिल वाजपेयी, आपकी कमेंट्री लाजवाब, बहुत शुक्रिया। विनय गौतम, राजाराम चौहान, नाइस कमेंट्री सर, शुक्रिया जी। रवि कुमार, क्रिकेट सेंचुरी, रोंजित अंसारी, रोंजित अंसारी झारखंड पलामू से ओके। विजय बाबू, राजेंद्र कुमार, रणवीर यादव, उदय पीबीएच, राम विलास मौर्या, रामदत्त जी, इकबाल सर, पीकेएल स्पोर्ट्स, पंकज कुमार फ्रॉम लखनऊ, लखनऊ में कहाँ से पंकज। और इस वक्त अभी भी कवर्स पड़े हुए हैं लेकिन उम्मीद है कि जल्दी होगा। सिराज भी हैं हमारे साथ, मोहम्मद बन्नू भी हैं और सतपाल पंजोक्टा, महावीर सिंह और क्रिकेट कंट्री एफएफ कोर्स फ्रॉम आजमगढ़, आजमगढ़ में कहाँ से एफएफ कोर्स बताइएगा। मिंटू गुर्जर हेलो, नागपुर राजस्थान से, नागौर राजस्थान से रविंदर, एफएफ कोर्स आजमगढ़ से हैं। और राजेंद्र वर्मा पासू से, मिंटू गुर्जर हैं और मिथिलेश पटना से हैं, अच्छा जी। और कैलाश जी है हमारे साथ, तमाम दोस्त आपके कमेंट शामिल कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारा चैनल, कमेंट्री आप तक ज़रूर पहुंचती रहेगी जैसे ही मुकाबला शुरू होगा। तो आने वाले दिन आपको पता ही है कि 29 तारीख को शाम को भारत को करो या मरो की स्थिति में डाल दिया है न्यूजीलैंड ने। जिस स्थिति में भारत ने न्यूजीलैंड को डाला था वनडे श्रृंखला में, वहीं पर आकर खड़ी है भारत की नौजवान टीम। तो 29 तारीख को शाम को आपको 7 बजे से लाइव मुकाबला शुरू हो जाएगा, हम 7:15 बजे हाजिर हो जाएंगे। 29 तारीख यानी 29 जनवरी का दिन होगा और संडे का दिन होगा और भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये दूसरा T20 मुकाबला होगा और लखनऊ होगा शहर। क्या बहुत खूबसूरत मैच, एक के बाद इस श्रृंखला के लिए जो 3 मैदान चुने गए हैं इकबाल, ये देखने वाली बात है। तीनों विश्व स्तरीय, बहुत ही सुंदर, बड़े नए मैदान चुने गए हैं। बिल्कुल, और 3 अलग अलग राज्यों की राजधानी चुनी गई है। पहले झारखंड की राजधानी रांची में पहला मुकाबला हुआ जहां भारत की टीम हार गई। कल जो न्यूजीलैंड भारत के बीच दूसरा T20 मुकाबला होगा वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में, हालांकि गांधीनगर राजधानी है अहमदाबाद ही है,
ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद में बड़ा काफी कंफ्यूजन रहता है कई बार तो अहमदाबाद में जो है वो मुकाबला खेला जाएगा। तो फिलहाल आप सभी दोस्तों से गुजारिश यही कि जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मुकाबला जो अभी लेटेस्ट अपडेट इस वक्त आ रही हैं बफेलो पार्क ईस्ट लंदन से, वो अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है। और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं कि वहाँ पर कवर्स अभी भी बने हुए हैं और बारिश जो है थोड़ी हल्की हुई है, बारिश, तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि मुकाबला जल्द ही शुरू हो जाएगा। तब तक मैं आप लोगों से बस यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कमेंट्स हम लगातार जुड़ ले रहे हैं। हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट शाजाराम यादव जी हैं, सुदेश जी हमारे साथ हैं, बनपुर किंग हैं, राजेंद्र वर्मा जी, कालू लाल बेवफा सनम प्रतापपुरा आए हाय, क्या बात है मेरे मित्र, आप जब आते हैं ये आए हाय होना जरूरी है। इनके साथ आए हाय भी लग गया है, हम लोग किसी दिन गाना ना बना दें इनके। हाँ बिल्कुल यार, मतलब जिस तरीके का इनका नाम है कालू लाल बेवफा सनम प्रतापपुरा, मतलब क्रिएटिविटी के नाम पे आए हाय निकल जाता है, आए हाय। यार इकबाल कहीं ऐसा तो नहीं कि ये शर्मा जाते होंगे हमारी इस अंदाज से? नहीं शर्माते नहीं होंगे लेकिन हंसते जरूर होंगे, मुस्कुराहट जरूर तैर जाती होगी उनके चेहरे पर। भाई लेकिन क्या गजब का नाम लिखा है आपने। मिंटू गुर्जर जी हमारे साथ हैं, अनिल कुमार निषाद जी हैं, राजमन जी हमारे साथ जुड़े हुए, सतपाल जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, भास्कर जी हैं, कृष्ण मालवे जी हमारे साथ, अंकित वर्मा जी, बबलू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल क्रिकेट अनफोल्ड पर। और ये विमेंस टी का मुकाबला है आज और कल जो है वो भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वो मुकाबला खेला जाएगा, तो आपको इस चैनल पर उसकी भी कमेंट्री, भारत न्यूजीलैंड दूसरा T20 मुकाबले का कवरेज भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कल अब जब हम लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हमारे साथ मोमिन अहमद भी जुड़े हुए हैं, मुंबई महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ ये, और कह रहे हैं कि भाई ये मूवी देख करके आ रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, रियासत भाई, अदनान सैफी, रियाज सैफी, अमन सैफी, अरहान और आरिश भाई, तमाम जो है मित्र जो है ये तमाम भाई जो है मूवी देख करके आ रहे हैं और शाहरुख खान की फिल्म देख करके आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। तो क्या बात है जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मोमिन भाई, आप सभी दोस्तों का। ललित पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार जी हैं झारखंड से, स्वागत आपका। प्रवीण जी, याकत अली जी हमारे साथ हैं, पंकज कुमार, विष्णु भाई, मनोज कुमार जी, ओम नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। ललित पटेल पूछ रहे हैं मैच कब चालू होने वाला है। मैच जल्दी ही चालू होने वाला है, हालांकि बारिश हो रही थी और कवर्स जो है अभी भी मैदान पर बने हुए हैं और ऐसे में इंतज़ार हम भी कर रहे हैं आपके साथ साथ कि मुकाबला जल्द शुरू हो। हालांकि उम्मीद ये जताई गई थी पहले से कि जब ये मैच शुरू होगा, मैच शुरू होते ही बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी और हुआ भी वैसा ही, दो ओवर का खेल हुआ था और उस वक्त जो है बारिश आ गई, दो ओवर में भारत ने 4 रन बनाए थे बिना किसी विकेट के नुकसान के। स्मृति मंदाना और साथ में उनके जमायमा रॉड्रिगेज मैदान पर बल्लेबाजी करती हुई उस वक्त नजर आ रही थी। तो इस वक्त की स्थिति जो है वो बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में यही है कि बारिश की वजह से खेल रुका हुआ है। राजस्थानी सॉन्ग हमारे साथ जुड़े हुए, राम विलास मौर्या जी हमारे साथ हैं, पंकज गोस्वामी जी हैं, बहुत स्वागत है जी। मिंटू गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामदत्त जी हैं, मनोज कुमार जी हैं, मृणाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी हैं, सतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनय कुमार गोस्वामी, प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जगदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर सिंह कहते हैं बीबी मायके चली गई इसलिए आराम से कमेंट्री सुन रहा हूँ, फिरोजाबाद से जय भीम जय भारत कहते हैं। क्या बात है महावीर भाई, आज तो आप आजाद पंछी की तरह महसूस कर रहे होंगे, और अगर आपकी बीवी ने सुन लिया तो भैया आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है। महावीर जी घर में बेलन वेलन है क्या? अगर है भैया तो उसको छुपा लीजिए, क्यों महावीर जी आपने आग से खेलने का काम किया है। हम दुआ करेंगे कि आपकी मोहतरमा ना सुन रही हो आपको। हमारे साथ माँ स्पोर्ट्स अंडर 19 फाइनल देखना, इकबाल स्पोर्ट्स
बिल्कुल अंडर 19 फाइनल देखेंगे, हालांकि हमें बड़ा मन था कि अंडर 19 फाइनल मुकाबला हम उसकी कमेंट्री लेकर के आएँ आप सभी के लिए इकबाल स्पोर्ट्स पर और क्रिकेट अनफोल्ड पर, लेकिन यार वही है ना कि रिस्क है तो थोड़ा सा जो है तो डर सा लगता है, तो ऐसे में रिस्क लिए बगैर ही मुझे लगता है कि काम करना बेहतर है। अभी न्यूजीलैंड की इतनी बड़ी सीरीज चल रही है, फिर ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी सीरीज आने वाली है, तो आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान लगे और हम आप तक ना जुड़ पाएं, तो आप भी थोड़ा सा जो है कहीं और सही देख लीजिएगा उस मुकाबले को, हम भी देखेंगे कहीं और हम चीयर करेंगे टीम इंडिया को, इंडियन अंडर 19 टीम को। शेफाली वर्मा के नेतृत्व में हम भारतीय टीम का समर्थन करेंगे और चीयर करेंगे कि भारत मुकाबले को जीते और ट्रॉफी, विमेंस क्रिकेट की पहली ट्रॉफी आईसीसी ट्रॉफी भारत लेकर आए, जैसे धोनी की टीम ने पहली T20 इनॉग्रल जीती थी। तो और इत्तफाक क्या है आसिम कि वो धरती भी दक्षिण अफ्रीका की थी और ये धरती भी दक्षिण अफ्रीका की है, तो मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी है और इतिहास दोहराया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में ऐसी सुगबुगाहट, ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारी तमाम विशेष अंडर 19 टीम और शेफाली वर्मा के साथ हैं कि अंडर 19 टीम इंग्लैंड को पराजित कर भारत को वर्ल्ड कप दिलाए। ये रहा इकबाल स्पोर्ट्स चौका। ये बड़ी ख्वाहिशें रहती हैं, मैं देखता हूं आप लोगों के कॉमेंट कि आप लोग चाहते हैं कि कुछ इस तरह से ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया ये वाला जो है ना लेकर आए, बट मैं देख रहा था एक बच्चा जो है कमेंट्री करता है वो ये वाला ट्यून इस्तेमाल करता है, मैंने कहा बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, बट ये कि यार थोड़ा सा ना मतलब अजीब लगता है कि हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, उसका कुछ पैसे हमें नहीं मिलते और ऊपर से हम खामे क्या मतलब ये करें, हालांकि सुनने में हमें भी बड़ा अच्छा लगता था ये BSNL चौका, ये अच्छा लगता था, एक 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 मतलब एक कल्ट है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल, और इससे एक जुड़ाव है, एक याद है, एक कहानी है ये, जैसे नटराज फिर चैंपियन, ये लगा सिक्सर और यहीं से उठाया गया है। वो पेंसिल हुआ करती थी। बहरहाल इस वक्त आपको हम बता दें कि मुकाबले को लेकर जो खबरें हैं वो यही हैं कि पूरी तरह से अंपायर जो हैं वो मैदान के किनारे टहल रहे हैं, इसका मतलब बारिश हल्की हो गई है, तो उम्मीद है कि जल्दी से कवर्स हटाकर मैच शुरू किया जाएगा। सिराज है हमारे साथ, ललित पटेल सर मैच कब चालू होगा, हमको नींद आ रही है कह रहे हैं। अरे सिराज जी, हमारी कमेंट्री सुनने के बाद भी आपको नींद आती है क्या? और सिराज जी ये अपमान है हमारी कमेंट्री का, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए और कह रहे हैं नींद आ रही है, नींद आ रही है, तो इस नींद को जरा दूर भगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। ये कहते हैं कि तो बरसात ने दिल तोड़ दिया, हाय क्या बात है, ये बड़ी प्यारी सी गजल है जिसका एक शेर पेश किया था हमारे एक साथी ने, माय स्पोर्ट्स महात्मा गांधी शिक्षा अफ्रीका से, हाँ विष्णु कुमार सिंह ने ये शेर भेजा था, बहुत शुक्रिया जी आपकी जरा नवाजी, आपने मुशायरा लूट लिया। और रामविलास मौर्य जी हैं, आपकी आवाज़ मुझे पसंद है, बहुत शुक्रिया जी। कोमल अहरीवर जय भीम जी, जय भीम साथियों। शाकिर जी हैं हमारे साथ, जय नरेंद्र मोदी जी, किसी का कमेंट था, मान सिंह जी हैं। अच्छा अच्छा, मैं आपकी कमेंट्री से पुरानी याद ताज़ा हो गई, BSNL का चौका जो है कुछ वो कहना चाह रहे थे, और इस वक्त निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा कि आपकी कमेंट्री से पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। इससे आपने बताया कि जैसे आपने बताया कि BSNL चौका कमेंट्री शिक्षा के पुरानी है, यादें वही 2003 की हैं, बहुत अच्छा लगता था क्या क्या। बिल्कुल यार, 2003 तो मुझे लगता है कि कमेंट्री का, रेडियो कमेंट्री का सबसे स्वर्णिम दौर था 2003 हमारी एज ग्रुप के लिए, क्योंकि अब जो हमसे बड़े हैं तो वो 90s का जिक्र करते हैं, 80s का जिक्र करते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो अलग कहानी है, लेकिन हमारे लिए 2003 जो है एक स्वर्णिम दौर था वो। बिल्कुल सही कहा। और इस वक्त आप रेडियो पर कमेंट्री करते थे? बिल्कुल जी, रेडियो पर कमेंट्री करते थे। प्रदीप कुमार कहते हैं जय भीम सर, जय भीम प्रदीप, कहाँ से हैं आप? सुनील कुमार आई लव यू कहते हैं, वी लव यू टू। विनोद कुमार की याद आती है, मास स्पोर्ट्स इस वक्त। संतोष कुमार कहते हैं शेफाली वर्मा क्यों नहीं खेल रही? संतोष जी, शेफाली वर्मा जो हैं वो अंडर 19
जो विमेंस टीम है उसकी कप्तान है, इसलिए वो अंडर 19 विश्व कप खेल रही हैं। राकेश जी हैं सर, आपकी आवाज़ में नेट की पता नहीं, इस कमेंट को हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा सा कमेंट था, और सर आपकी आवाज़ में नेट कर की तरह है और मैं टेस्ट में पूरी रात वेस्ट इंडीज़ का सुनता था। अच्छा जी, इस वक्त अच्छा आप वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले, मतलब वेस्ट इंडीज़ का मैच सुनना, मतलब 2-3 बजे रात तक सुनना पड़ता था। तो चलिए जी, बलदेव चौहान कहते हैं सर्दी में बारिश क्यों आई, सर्दी में बारिश, ये दक्षिण अफ्रीका में हो रहा है मैच सर, भारत में नहीं हो रहा है, तो और वहाँ पर ऐसी सर्दी भी नहीं है अभी। मीना जी हैं और राकेश जी के साथ साथ सागर जी हैं, कितने ओवर का मैच, 2 ओवर्स का मैच हुआ था, अभी बारिश हो गई है। महमूद हसन भी हैं, अमरेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र कुमार हैं, सागर जी हैं, इंद्र कुमार हैं, रमन कुमार, प्रमोद सिंह, कहाँ मैच होगा क्या सर, क्या आज मैच होगा क्या सर? जी प्रमोद जी, अभी तो बड़ी उम्मीदें हैं इस मुकाबले को लेकर कि ये मैच ज़रूर होना चाहिए, और इस वक्त जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें अभी भी अंपायर जो हैं वो फील्ड के किनारे पर खड़े होकर इंतज़ार ही कर रहे हैं कि बारिश की जो हल्की फुल्की बूंदें हैं उनको भी रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद वो मैदान को जल्दी से रेडी कराएंगे। मास स्पोर्ट्स सागर त्रिलोक सिंह हैं, 1980 के दशक में बेस्ट कमेंटेटर सुशील दोषी जी, बिल्कुल जी सुशील सर तो क्या कहें, टॉवरिंग पर्सनालिटी है कमेंट्री। प्रदीप कुमार आजमगढ़ UP50, प्रदीप कुमार कहाँ हैं आजमगढ़ में ये भी बताइए, आजमगढ़ तो बड़ा ज़िला है। हेमंत भारद्वाज, विवेक कुमार, ललित पटेल, अभिलेश कुमार, पिनाकी चांदा ललित हैं, उमेश कुमार, प्रवेश राज, मोटिवेशनल स्पीच भाई खान सर, और कैलाश ऑनलाइन क्लासेस, मैच कितनी देर में शुरू होगा, अभी तो कुछ टाइम लग जाएगा जी। श्रीमंत जी हैं, आई एम टोटली ब्लाइंड पर्सन, ओके सर वी विश यू वेल श्रीमंत जी, और राजू यादव भाई मोदी की आवाज़ में बोलो। अच्छा एक हरियाणवी सिंह, जिसको सोना है वो फ़ोन चलता छोड़कर सो जाओ। और वीरेंद्र सिंह मीना भी हैं हमारे साथ, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है क्रिकेट अनफोल्ड, जहां से आपको महिलाओं की जो क्रिकेट है उसकी कमेंट्री आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर रतनलाल राजभर वाराणसी से हैं जी, वाराणसी में कहां से हैं जी, वाराणसी में आप दालमंडी इलाके से तो नहीं हैं। उमेश कुमार या लंका से हैं, रामदत्त जी हैं, कुलविंदर सिंह जी हमारे साथ, विक्रम पंडोर लव यू इंडिया, हेमंत भारद्वाज, राजशाही सॉन्ग, करमवीर पांडे, सागर, कल्याण बरैया गुजरात से, और बुरा सिंह हैं आप, रेडियो आ रही है, रेडियो जैसी आवाज़ आ रही है शायद कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर, भोजपुरी बोलिए। अच्छा जी, तो आपकी कमेंट्री सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया जी। और इस वक्त तेजू जी हैं बस्ती से, और शाहजहांपुर वाला हमारे साथ हैं, कह रहे हैं हाय। वीरेंद्र कुमार हैं, प्रदीप कुमार निज़ामबाद से हैं, ओके निज़ामबाद से हैं आप, क्या बात है, क्रांतिकारी सरजमीन है निज़ामबाद। और देव यादव हैं, मैं मुरादाबाद से हूँ। ओम कुमार हैं, हेलो सर बिहार से। और सतीश यादव हैं प्रयागराज से, मंशा यादव भी हैं हमारे साथ, विनय गौतम, पीयूष मनोज, दर्शन जी, जावेद सादिक, कमलेश, सागर, राजेश, संतोष इस वक्त हमारे साथ हैं, हैप्पी इंडिया, अली रजा, रजनीश कुमार, रामविलास मौर्य कहते हैं सऊदी अरब से, गुड कमेंट्री, बहुत शुक्रिया भाई। इंद्र कुमार हैं, वर्ल्ड कप की कमेंट्री आपको बढ़िया लगी थी। मैं आजमगढ़ से राहत अली आजमगढ़ में कहाँ से भी बताते रहिए, और इस वक्त राहुल गांधी की आवाज़ निकाली। प्रयागराज में कहाँ से हैं आप बताइएगा ज़रूर दोस्तों, और इस वक्त बिहार पटना से हमारे पास संतोष कुमार मैथमेटिक्स भी जुड़े हुए हैं। तमाम दोस्त हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, ताकि आने वाले मुकाबलों की आपको कमेंट्री सुनने को मिले। रवि कुमार भी हमारे साथ हैं, अतुल भारद्वाज हैं, कमलेश ठाकुर, पंकज गोसावी,
वीडियो एडिट शाहजहांपुर वाले अतुल ब्रजवासी, ब्रजवासी यानी कि मथुरा के हैं आप, और सत्येंद्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कमलेश जी के साथ साथ कुकी कुकी साथ में, के सिंह तो हमारे साथ जुड़े ही हुए हरियाणा वाले, मेहता एंड फैमिली लव फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से हैं जी बताएं, इस्माइल जी और राहत अली का ये कमेंट बड़ी तेज़ी से निकल गया इस वक्त। संतोष शर्मा, विजय बाले, दीपक कहते हैं कब तक बारिश, बारिश का तो कुछ पता नहीं भाई, बारिश बहुत हल्की हो गई है अब इस वक्त मैदान पे ये खबर आ रही है। और जितेंद्र कुमार के साथ संतोष शर्मा इस वक्त काफ़ी तेज़ी से कमेंट्स आ रहे हैं। दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे इस चैनल को, और हम कोशिश करेंगे कि आप दोस्तों के कमेंट्स जो हैं वो इस मुकाबले के दौरान आपको शामिल करते रहें। संतोष कुमार, मीना रामू, बलदेव चौहान अहमदाबाद से हैं, और पारस राम कहते हैं कि राणा जालौर, पारस राम राणा जालौर राजस्थान से हैं, ओके सर। और साथियों के कमेंट देखें, तेजू बस्ती, बस्ती से हैं, बस्ती में कहाँ से तेजू बस भाई। विराट कोहली फैंस कहते हैं हेलो, जावेद पीर जम्मू कश्मीर से, पीर जावेद क्या हाल साहब, बहुत सर्दी पड़ रही है। पुष्पेंद्र यादव, वुमेन क्रिकेट देखने में बहुत मज़ा आता है, चलिए अच्छी बात है पुष्पेंद्र जी, आपको बहुत मज़ा आता है। सोनू कुमार हैं मधेपुरा, मधेपुरा से हैं, बिहार से, और नन्हे हैं गुजरात, साधव सावधान सरकार के दरगाह के बाजू में से बोल रहा हूँ, अच्छा जी। और इस्माइल जी हैं, रामदत्त जी हैं, अलोन आर्मी 1M यूपी से, कौन कौन है, और कमलेश ठाकुर तो है ही, अतुल ब्रिजवासी व्लॉग्स मथुरा से हमारे साथ हैं, और इसके साथ साथ आइब्री योर्स हैं। रेन हैज़ कम्प्लीटली स्टॉप्ड, होपफुली वी आर अबाउट टू वेट फॉर द नेक्स्ट 9 मिनट्स टू डिसाइड वेदर द रेन कम्स बैक और वी गेट टू सी सम प्ले शॉर्टली, होपफुली वी आर नॉट सीइंग एनी रेन। ओके थैंक यू फॉर द अपडेट माइट, वी आर होपिंग दैट वी कैन गेट सम प्ले टुडे। और इस वक्त जो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो भी हम आपसे शेयर कर सकते हैं कि इस मुकाबले को लेकर क्या अपडेट्स आ रही हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये T20 मुकाबला खेला जा रहा है, और इस T20 मुकाबले को लेकर भारतीय टीम ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है, और दक्षिण अफ्रीकाई गेंदबाजी, दो ओवर्स की गेंदबाजी में भारत ने सिर्फ 4 रन बनाए थे जब बारिश ने इस मुकाबले को रोक दिया। आप सुन रहे हैं क्रिकेट अनफोल्ड, कमेंट सेक्शन पर एक बार फिर से हम वापस आते हैं। मोटिवेशनल स्पीच बाय खान सर, अमेठी यूपी से हैं। संतोष कुमार, मैथमेटिक्स, लव यू सर, शुक्रिया जी। मीना रामू, हेलो सर, आई लव यू टू इंडिया, एब्सोल्युटली वी लव अवर कंट्री सर। अतुल ब्रिजवासी, जया जी यहाँ पर, पारस राम राणा जी हैं हमारे साथ, और निश्चित तौर पर आगे के कमेंट्स भी हम देखेंगे। ताहिर इमाम भी हैं माउंट आबू से हमारे साथ दोस्त हैं, शुभम, राधा श्याम, मीना जी हैं, संतोष शर्मा हैं, विवेक पांडे, आदित्य कुमार, सर मैच होगा, हम बीरपुर से हैं, ओके जी। और इस वक्त इंद्र कुमार, सोनू मौर्य, आपकी आवाज़ सुनकर पुरानी याद ताज़ा हो गई जी, बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी कमेंट्री आकाश चोपड़ा जैसी है भाई, अच्छा। और सौमित कुमार कहते हैं कि आज 50 लगाएगी जमाइमा रोड्रिगेज। हिमांशु हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, संतोष शर्मा जी हैं, कर्मवीर पांडे हैं, कर्मवीर पांडे के साथ कुशवाहा जी हैं हमारे साथ, शुभम जी हैं, इफ्तिखार हैं, संतोष हैं, हिमांशु हैं, घनश्याम पासवान हैं, तौफीक भी हमारे साथ हैं, और बड़ी तेज़ी से कमेंट्स जा रहे हैं। शोभा पांडे हैं, मैं बफलो स्टेडियम में लाइव देख रहा हूं, बारिश एकदम लो है, शोभा पांडे का ये कमेंट आया है, चलिए जी बड़ा शुक्रिया, आपने अभी अपडेट दी है। और आप कहां से देख रही हैं, मैदान में बैठी हुई हैं आप शोभा पांडे जी? शुभम जी हैं अयोध्या से, और इस वक्त घनश्याम पासवान भी हैं मुंगेर बिहार से, और संजय कुमार तो पूछ ही रहे हैं कि मैच कब शुरू होगा। साथ ही साथ हमारे साथ कमेंट सेक्शन में
कमल जी भी हैं, असर आपकी कमेंट्री सुन के तो चाय पीने का मन कर रहा है, आपकी कमेंट्री सुन के टीवी देखने का मन नहीं करता। चलिए बहुत शुक्रिया आपको, मज़ा आ रहा है कमेंट्री सुनने में। इस वक्त भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें, महिला टीमें एक दूसरे के सामने मौजूद हैं, लेकिन ओम प्रकाश सऊदीया से ये कमेंट है, ख्वाजा गरीब की नगरी से हैं मास स्पोर्ट्स, और सोनू कुमार मेरे साथ बहुत क्या कहा है उन्होंने समझ नहीं आया। इस वक्त छत्तीसगढ़ से भी हमारे एक साथी हैं, और संतोष के साथ रज्जाक शेख हैं पुणे से, सोनू मौर्य राजस्थान से, लाल बाबू कुशवाहा हैं यूपी से, उत्तर प्रदेश से ऑफिशियल सोनू राजपूत भी हैं, और विवेक पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट सेक्शन के जरिए से, और निश्चित तौर पर इस मुकाबले में आज देखना है कि मैच कब शुरू होता है। विवेक पांडे जी हैं, नाइस वॉइस, गुंडों का शहर प्रयागराज जी, नहीं जी ये तो अच्छी बात नहीं आपने कही, बड़ा ही पढ़ा लिखा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही विमर्श पैदा करने वाला शहर है प्रयागराज, इलाहाबाद जो भी कहें आप। इस वक्त दो लवली लड़कों को लाइक कर दो हरियाणवी साहब कहते हैं कि दो लवली लड़कों को लाइक कर दो, अच्छा जी। और भावना तोमर हैं, कुकी जी कानपुर से हैं, और मोहम्मद आदिल हैं जो आजमगढ़ से, बिल्कुल मैं तो उसी मोड में आ गया हूँ, कहें तो जीरो आर शो रेडियो शुरू कर दें हम यहाँ से। रजाक शेख जी हैं, कहते हैं नाइस कमेंट्री, और हमारे एक साथी हैं कहते हैं कि आपकी कमेंट्री सुन के चाय पीने का मन कर रहा है, तो पी लीजिए बिल्कुल। और मोदी जी का आगमन भी हो चुका है, और वो कह रहे हैं कि सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं हमारे साथ साथी, और दीपेश चौधरी हैं मध्य प्रदेश से, कृष्ण कुमार सिंह छत्तीसगढ़ से, कहाँ से हैं ये, राजेंद्र कुमार हैं, हेलो सर वेरी गुड कमेंट्री, मोदी जी यूपी प्रतापगढ़ से हूँ अच्छा मोदी जी यूपी प्रतापगढ़ से हैं, ओके, राजा भैया का क्षेत्र है प्रतापगढ़ जी, आर्मी मैन गाजियाबाद गाजीपुर से, राम आशीष यादव, वीरों की धरती है गाजीपुर और बक्सर बड़े पास में है, एक नदी गुजरती है, नदी के उस पार बक्सर, और इधर यस एक नदी गुजरती है गाजीपुर से, और वो बड़ा ही क्रांतिकारी इलाका है वहाँ की, मैं इतिहास तो नहीं बताऊंगा कि वहाँ पे क्रांतिकारियों का बड़ा जमघट था भारत की आज़ादी में, वो इस क्षेत्र की बड़ी अहम भूमिका है, और मोदी जी तो आ ही गए हैं और साथ में इकबाल भी आए हैं। शुक्रिया आसिम, तो तमाम दोस्तों का बहुत स्वागत है, आसिम भाई ने जीरो आर शो शुरू कर ही दिया है, रात का समय है, रात का समय है, आप हैं हम हैं और क्या भीगा समा है, तो भाई मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ में। ख्वाजा मोहिउद्दीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुमित कुमार जी हैं, आई खान हैं, चंद्रेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उमेश तिवारी जी हैं, बहुत स्वागत है जी आपका, विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं, राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमार अजय जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। दोस्तों आ ही गए हैं, मैच अभी तो हालांकि शुरू नहीं हुआ है, तो जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जो घंटी का चित्र है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कल जब साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा शाम के 7 बजे, हम 7:45 बजे लाइव आ जाएंगे, तो आप सभी को जो है हमारे साथ जोड़ने में कोई तकलीफ ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक भी कर देना यार, अगर लाइक नहीं किया तो। लाइक वैसे बहुत कम आप लोग करते हैं, मतलब मुझे थोड़ा सा इससे, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन थोड़ा सा हम आहत हो जाते हैं ये कौन आहत हुआ अभी, मोदी जी तो आहत होते नहीं, मैं कभी आहत नहीं होता। अरे भैया अगर छोटी छोटी बातों पे आहत होने लगे तो फिर तो काम हो लिया। भाई और बहनों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भैया लाइक की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, बढ़ा दीजिए भैया, बढ़ा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए। हमारे साथ एक साथी हैं हिंदी स्पोर्ट्स न्यूज करके, वो बार बार कह रहे हैं कि बिग ब्रदर मेरे चैनल के बारे में भी बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें, तो भाई आप लोग अगर देख सकते हैं तो देखिए चैनल,
कैसा है स्पोर्ट्स, हिंदी स्पोर्ट्स न्यूज़ करके चैनल उनका है, और इस वक्त विवेक पांडे जी हैं। सर मैं लखनऊ जाऊंगा मैच देखने, क्या कहने भाई, टिकट्स हैं लगता है पांडे जी के पास। पांडे जी लेकिन हमारा कमेंट्री जो है जोर जोर से चलाइएगा स्टेडियम पे, ताकि आसपास जो बैठे हुए हों वो कहें कि भैया ये क्या है, ये कौन बोल रहा है भैया। 10-15 लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा। पांडे जी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, कराएंगे कि नहीं कराएंगे बोलिए, कंबल के अंदर से आवाज आ रही है, कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी। और चंद्र सेन सीधी जी हैं और ये वर्षा बड़ी बेवफा है वो कहते हैं। ये वर्षा कौन है और क्या कनेक्शन है इस वर्षा से, ये वर्षा बड़ी बेवफा है, आए क्या बात है जी। श्याम यादव जी चंपारण बिहार से हमें सुन रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। मैनपुरी यूपी से हमारे साथ एक मित्र जुड़े हुए हैं, कमल जीत जी हमारे साथ हैं, मेरा भी नाम ले लो, प्रताप सिंह सोढ़ा जी आपका भी नाम ले लिया, इतना बड़ा बड़ा हॉर्न काहे लगा दिए, प्रताप जी आपका नाम ले लिया है, रामदत्त जी थैंक यू, इकबाल सर मोदी जी की आवाज में बोले तो बहुत अच्छा। रामदत्त जी अरे आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, जब मैं छोटा था भाई और बहनों, जब मैं छोटा था, अरे भैया इसमें भी कुछ ढूंढ रहे हो क्या, मैं छोटा था तो छोटा था। जी हाँ बिल्कुल, हर कोई पहले छोटा ही था, लेकिन आजकल मोदी जी का इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतने छोटे थे आप? जब मैं छोटा था तो मैं आम के बागीचे में जाया करता था। अब भाई बहनों आप जान करके हैरान होंगे कि मैं आम कैसे खाता था। मित्रों कैसे खाते? मैं आम को चूस के खाता था भाई और बहनों। आम को चूस के खाने का जो मजा है वो छुरी से काट कर खाने का मजा नहीं है। आप लोग इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं, मानते कि नहीं मानते हैं? जोहार झारखंड, रुपेश कुमार जी। अरे रघुवर जी क्या कर रहे हैं आजकल, बहुत दिन से फोन उन आया नहीं है, सोए हुए तो नहीं है मार करके? चलिए दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक काट के खाते हैं एक चूस के खाते हैं, तो मोदी जी चूस के खाते हैं आम। कि मैं झारखंड से हूं तो ये झारखंड में रुपेश भाई इस बात को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। रघुबर दास के बारे में ये बात बड़ी आराम बड़ी फेमस है कि वो अपना बंड रहते हैं। आजकल वैसे दिखे नहीं है काफी टाइम से, देखिए रुपेश जी का हा हा आ गया, वो समझ गए। चलिए भाई ये आपस की क्षेत्र की बात थी। दिलीप कुमार, विक्रम प्रताप सिंह मिर्जापुर से, कौन से मिर्जापुर, वो वेब सीरीज वाला मिर्जापुर। शुभम कसौंड, जय श्री राम कहते हैं जी, राम राम जी। द लवर कुमावत साहब हैं और सुदेश तोमर, लखनऊ में योगी जी हैं, बिल्कुल जी राजधानी है वहाँ पर विराजमान रहते हैं। और शुभम के साथ महेंद्र जी हैं हमारे साथ। गिरधर जी यदि आपको जवाब नहीं दूँ तो, कसवान जी मैं राजस्थान हनुमंत नगर डिस्ट्रिक्ट से, गिरधारी बचपन की यादें ताज़ा करवा दी आप लोगों ने कमेंट्री सुनाकर, बहुत शुक्रिया जी, आप बड़े ही ज़बरदस्त है, बड़ी ही ऐतिहासिक धरती से आते हैं। विवेक पांडे जी ज़रूर करेंगे सब्सक्राइब सर जी, गर्लफ्रेंड के बाद पहली बार इतना टाइप करा है। अरे विवेक जी आपने दिल जीत लिया है, क्या बात है। उंगलियां दुख जाती थी, उंगलियां दुख जाती थी भाई और बहनों। गर्लफ्रेंड को जब मैसेज टाइप करने का मौका आता था, आपको कैसे पता है? अरे भैया मैं आपकी बात कर रहा हूँ आसिम जी। आपने मुझे कब देखा? पोल खोलूं क्या आपकी? बहुत लोग सुन रहे हैं भाई, घर परिवार के भी लोग सुनते हैं। अरे भाई मैं खोलूंगा नहीं पोल, क्योंकि आपको आपके पास भी मेरे बहुत सारे पोल हैं। नहीं नहीं आपने खोल दिए पोल, वैसे खबर तो पहुंच गई जहां पहुंचनी थी। अयोध्या से हैं शुभम जी और निबोध कुमार,
निगम जी हैं जौनपुर से। अर्चना आकृति, बारिश के बारे में कुछ बोलिए। जी हाँ, इस वक्त कोई ख़ास अपडेट नहीं है और बारिश को लेकर ये है कि बहुत हल्की बूंदाबांदी, अभी अपडेट आया है कि बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही है और इतनी हल्की हो रही है कि अंपायर मैदान पर टहल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि खेलने लायक जो कंडीशन है वो अभी है या कुछ वक्त इसको देना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि जल्दी मैच शुरू होगा। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हुए। हंसराज सिंघल हैं, एफबी लवर, राज किंग गेमर, मैं भोपाल से, और एफबी लवर कहते हैं बताइए बारिश ख़त्म होगा कि नहीं। अब हम तो नहीं बता सकते, अब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन बहुत हल्की ज़रूर हो गई, आई बहुत तेज़ थी, बहुत मूसलाधार तरीके से आई थी लेकिन एकदम से शांत हो गई। सुल्तानपुर से हैं विजय निषाद, रोहन राज सिंघानिया, मैच अबेंडेंड होगा क्या? जी नहीं, अभी ऐसा कोई भी चांस नहीं है। विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं, पूछ रहे हैं कि मोदी जी हम शादी कब करें। अरे इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। विवेक पांडे जी एक तो अभी आप कह रहे थे कि उंगलियां थक गई हैं, अभी थके नहीं है क्या? और थकना चाहते हैं क्या? कर लीजिए भैया। समझ गए विवेक पांडे जी, मोदी जी ने कहा है तो सोच समझ के कहा होगा। राकेश जी हैं, कमलजीत जी हैं, शुभम जी हैं, बदनाम बालक, अरे भाई क्या बात है, ओपन वाईटी, बदनाम बालक, अरे जिस उसका उतना नाम हुआ है, जितना जो बदनाम हुआ है, तो बालक आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये सही रास्ता आप नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी, समझाइए बालक को, कहता है बदनाम बालक। प्रतीक यादव है, मैच स्टार्ट होगा भाई, हम यहाँ पर लगातार हॉटलाइन से, बफेलो पार्क से लगातार मैसेजेस ले रहे हैं, संपर्क में बने हुए हैं और प्रतीक यादव कह रहे हैं कि बारिश बहुत तेज हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है, बारिश बहुत हल्की हो रही है। अगर तेज हो रही है तो क्या छत डलवा देंगे क्या प्रतीक भाई? अरे छत डलवाएंगे बफेलो पार्क में नहीं, वैसे ज्यादा तेज नहीं है। अब्बास है, मोदी जी को प्रणाम कहते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब्बास जी ध्यान रखिएगा अपना। तौसीफ आलम भी हैं और तौसीफ आलम का कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे, काफी लंबा चौड़ा कमेंट उन्होंने लिखा है कि क्या लिखा है जी तौसीफ जी ने। दिनेश दुबे जी हैं। मैं मुश्ताक बोल रहा हूँ, आपने पूरा परिवार के साथ आपकी कमेंट्री सुनकर बड़ा लोग आनंद ले रहे हैं, मेरे लिए क्या है वहाँ का कमेंट्री मोदी की आवाज़ में सुनने की, काफ़ी खुश हो रहे हैं मोदी जी। अच्छा जी, अरे भैया आप लोग जितने लोग सुन रहे हैं सबके मोबाइल से सब्सक्राइब कराइएगा, आजकल वैसे छोटा बच्चा भी मोबाइल लेके चलता है, मेरा भी छोटा सा बच्चा है, आसिम का भी बच्चा है, मतलब हम दोनों का बच्चा है, और दोनों के बच्चे जब मोबाइल में घुसते हैं बच्चों, तो मैं क्या बताऊं कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। भाई और बहनों, कई बार मोबाइल में फोन आता रहता है, लेकिन भला हो कि साला वो बच्चा दे दे फोन। अरे तौफीक खान साहब है, कहते हैं कि भाई मैं लिखते लिखते थक गया, मेरा नाम क्यों नहीं ले। अरुण कुमार सिन्हा हैं और क्षमा करें मोदी भाई जी आपको, बहरहाल तौसीफ आलम हैं और बदनाम बालक जी हैं,
थोपाटे महादेव हैं, आज कुछ मैच अपडेट दे दीजिए। वीरेंद्र सुपर मोदी जी कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। और मंजुनाथ जी हैं हरैया से, शिवदयाल हर हर मोदी कह रहे हैं, प्रेम प्रकाश मैच शुरू हो ना हो मज़ा आ रहा है भाई। बिल्कुल, और इस बार मैच की कमेंट्री मोदी जी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, कब का मैच है जी? मैच तो 10:30 बजे शाम, मतलब रात से अभी शुरू हुआ था, लेकिन 2 ओवर्स के बाद बारिश हो गई थी और बारिश के बंद होने का इंतज़ार। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में बात करो, कह रहे हैं पीबी वाले। अच्छा जी, इस वक्त जो ताज़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं दोस्तों, अपडेट वही है कि बारिश बहुत हल्की हो रही है, बूंदाबांदी जिसे कहते हैं, इतनी हो रही है कि उसमें आप खेल नहीं सकते। अन्यथा इस मुकाबले को लेकर अगर ये किसी देसी टूर्नामेंट का मैच होता, जैसे कि गांव में होता, तो खिला दिया गया होता। बस आप समझ लीजिए, प्रताप सिंह सोडा जी कहते हैं स्टॉप इंसल्टिंग मोदी जी। हाँ ओके, वी आर नॉट इंसल्टिंग, वी आर डूइंग इट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ गुड स्पिरिट सर, वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीबडी। ओके, वी आर वेरी मच रेस्पेक्टफुल ऑफ अवर PM एंड वी आर नॉट इन टू एनी काइंड ऑफ न्यूसेंस, व्हाट यू कैन से अबाउट दिस। दीपक है सर, मैच स्टार्ट होगा अभी यही या नहीं होगा, प्लीज बताएं। तो दीपक, दरअसल ऐसा है कि जो अपडेट्स हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और मेरा भी नाम ले लो, ओमान से हैं मोहम्मद नियाज जी। नियाज, ओमान से आप कमेंट्री सुन रहे हैं, कल आपका वर्किंग डे नहीं है क्या? ओमान में संडे को छुट्टी होती है, बताइएगा। आओ कभी बुंदेलखंड में, पांचल भक्ति का कॉमेंट है। और दीपक शर्मा, हेलो पाजी, कहाँ से हैं जी आप दीपक जी? अंदाज से तो आप लग रहा है कि हरियाणा, दिल्ली या पंजाब से हैं। अब्बास जी हैं, हम लोग सऊदी में सुन रहे हैं, अब्बास का कमेंट है। ओके, बदनाम बालक जी हैं, और सलमान रियाज, दीपक शर्मा, कल्याण जी हैं, और इट्स पंचाल जी, शौकत अली जम्मू एंड कश्मीर से, और थोपते महादेव हैं, हर्ष दोदिया, वाह क्या सीन है, वो ये कमेंट कह रहे हैं। और अखिलेश पाल जी हैं, जय सियाराम जी कहते हैं, जय सियाराम जी, पुराना नारा याद दिला दिया आपने। और सज्जाद जी हैं, मोहम्मद नियाज, हैप्पी राणा वाले यार हैं, ग्राउंड में पानी भर गया है साथी प्लेयर्स। अच्छा जी, मास स्पोर्ट्स 46,000 करोड़ का, अच्छा जी, ये पॉलिटिकल न्यूज़ हम नहीं शामिल करेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर क्रिकेट की बातें कीजिए। रवि कांत मिश्रा, प्रिंस बनारस से, बनारस में कहाँ से हैं आप ये बताइए। कालून लाल बेवफा सनम प्रताप पुरा ने अपना दिल भेज दिया है, क्या कहने, एक बार सर कभी अयोध्या आना। बिल्कुल जी, शिव दयाल जी का कमेंट था, हिंदुस्तानी छोरा आपकी आवाज़ अमरीश पुरी की तरह लग रही है। मेरी आवाज़ लग रही है अमरीश पुरी की तरह? बुरी, हम दो दिलों का फूल खिलाऊंगा रे। मैं सऊदी अरब से हूँ, दमाम में मैच चालू हो गया सर जी, फिरोज कहते हैं, पूछते हैं। और राम की नगरी में आइएगा, सुभाष जी कहते हैं, बिल्कुल जी। और एक्चुअली मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अयोध्या में जो है पावन धरती पर कभी मैं भी पहुंच सकूं, ये मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है। और होपफुली कि बहुत जल्द जो है एक ट्रिप हम लोग लगाएंगे, जब बीच में मैचेस नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद में भी एक ट्रिप ज़रूर हम लगाना चाहते हैं, चाहे वो बनारस हो या अयोध्या हो। ये कभी मैं गया नहीं, आसिम गए क्या, आप गए क्या जी? हमारे तो बहुत करीब है, हमारे तो मतलब हमारे ज़िले से 126 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हम तो मोटर बाइक से जा चुके हैं वहाँ। क्या बात है यार, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया हूँ, एंड डेफिनेटली मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जो जितने भी पवित्र स्थल हैं, जितने भी पावन स्थल हैं, वहाँ पर मैं ज़रूर जाऊँ, और तीर्थ स्थल जो है वो उनका मैं दीदार करके आऊं, और होपफुली कि वो प्लान जो है वो जल्द बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, अमरीश पुरी नहीं, आपकी आवाज़ रजा मुराद की जैसी है। ओके, गुड बाय, कभी तो प्रयागराज भी आओ। जी हाँ, गुड बाय, मैं तो प्रयागराज कई बार आया हूँ और रहा भी हूँ, प्रयागराज में गुलाबबाड़ी के इलाके में रहा हूँ, घंटाघर का जो क्षेत्र है, और ख़ास तौर से
जो सिविल लाइंस का एरिया बड़ा सुंदर एरिया है, और इलाहाबाद की बड़ी अच्छी चीज़ है कि बहुत पुराने पुराने पेड़ उस शहर में हैं। मीर मकसूद अली हैं, अनिकेत कुमार हैं, एक बिहारी सब पे भारी कहते हैं सजाद जी हैं, राजकुमार यादव मैच कब चालू होगा इनका सवाल लगातार बना हुआ है, सुशील राज फ्रॉम सीतामढ़ी बर्थ प्लेस ऑफ माता सीता, जी हाँ सुशील जी क्या कहने हैं, और आलोक गुप्ता मैच होगा कि नहीं, अखिलेश पाल कभी खजुराहो छतरपुर एमपी आओ, जी बिल्कुल, तो खजुराहो भी फेमस बिल्कुल भाई, ये तो हेरिटेज साइट्स हैं, दुनिया की जो पुरानी जो साइट्स हैं जिनको कि यूनेस्को अपने अंडर में रखता है, बिल्कुल, और हमारे एक मित्र हैं सौरभ, वो अक्सर जाते हैं वहाँ पर, और एमपी में एक और धार्मिक स्थल है, मैं नाम मेरे जहन से स्किप हो रहा है, जहाँ पर मैहर नहीं जहाँ मतलब शंकर जी का जहाँ पर वो है, मतलब एक बड़ा स्थान है, तो वो अक्सर जाते हैं उस जगह पर, और हर साल इनफैक्ट वो जाते हैं, तो बिल्कुल एमपी में, यस 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 यस, तो बिल्कुल यार मैं तो इस चीज़ का बड़ा हिमायती हूँ कि भाई जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, इंसान को जाना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, देखिए जाइए महसूस कीजिए, क्योंकि जब आप किसी भी आस्था के मानने वाले हों, जब आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, तो फिर आपको एक अजीब सी एक सुकून का अनुभूति होगी, तो ज़रूर जाना चाहिए जी, और बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। बागेश्वर धाम, अखिलेश पाल जी कहते हैं बागेश्वर धाम से हैं, और सुशील जी हमारे साथ जो थे उन्होंने कहा कि वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और आपकी कमेंट्री सुनते हैं, जी रुपेश कुमार हैं, और गुड बाय जी हैं उज्जैन से, संतोष कुमार मैच कब शुरू होगा जी, शौकत साहब हैं कह रहे हैं कि मेरा भी यूट्यूब चैनल है, जी शौकत जी बताएं क्या करते हैं आप अपने यूट्यूब चैनल पे, अच्छा जी धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, अगर लगे रहे तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, वीरेंद्र जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ में कुछ बोलिए, अरे वीरेंद्र जी इतना रात को बोरा गए का, अरे भैंसिया को चारा दे के सो जाइए, सुबह दूध नहीं देगी ना भैंसिया जी हाँ बिल्कुल शौकत अली, मेरा भी यूट्यूब चैनल है, मुझे स्क्रीन पर लाइव स्क्रीन लगाना नहीं आता है, अभी इकबाल ने बताया था कमेंट, अरे भाई कोई अंडमान निकोबार से तो नहीं है, अगर हो तो अभी मत कहना सर कभी अंडमान आओ क्यों भाई अंडमान भी तो काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, जाएंगे आएंगे भी वहाँ से, ऐसा नहीं कि वहीं रह जाएंगे। विनोद कुमार जी हैं और जय शनि देव महाराज जी कहते हैं वो, और अम्बरीश हैं, भाई मैच नहीं शुरू होगा नहीं होगा क्या, देखते हैं भाई, हम लेटेस्ट अपडेट एक बार फिर से आप तक पहुंचाते हैं, और लेटेस्ट अपडेट वही है कि अंपायर जो हैं वो टहलते टहलते थक चुके हैं, और हाँ वापस बारिश भी आ गई है एक बार फिर से, और तो ये बहुत 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 ये बात तो सही है कि मुश्किल तो लग रहा है इस मुकाबले को लेकर, थोड़ी जो संभावना है वो थोड़े डामाडोल हो रही है दोस्तों, लेकिन हिम्मत मत हारिएगा। जॉनी लिवर की वॉइस कैसी रहेगी, कभी बिहार आओ सर। शौकत अली मुझे यूट्यूब पर स्कोरबोर्ड क्रिकेट का नहीं लगाना आता है, तो शौकत अली जी यूट्यूब पर ही बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सीख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस हैं कि स्कोर कार्ड कैसे लगाएं, अपनी स्क्रीन पर वो आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिए पढ़िए और सुनिए, और इसके बाद R&D करिए, R&D जो है ना ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर के बाद एंड है, हाँ एंड है, वो जो है करिए तो फिर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और आई एम श्योर कि अगर कुछ हमारी तरफ से ज़रूरत लगे, किसी भी भाई को ज़रूरत महसूस हो तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं info.iqbalsports@gmail.com पर। सतीश जी ये कह रहे हैं लाइक नहीं करूँगा मैं, क्यों भाई सतीश भाई आपको क्या तकलीफ है, आपको कोई परेशानी है हमसे, या फिर हमने आपके कॉमेंट शामिल नहीं किया, या आपको कोई हमसे जो है क्या कह सकते हैं शिकायत है, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई बताएं जी, बिल्कुल बताइएगा। सूरज सिंह हैं, हम बिहार के हैं, और कभी लिट्टी चोखा खाओ, बहुत खाते हैं साहब, लिट्टी चोखा का तो ऐसा हिसाब है कि दिल्ली में भी मिल जाती है, मैं उत्तर प्रदेश शेरगढ़ से, तौफीक खान जी क्रिक इन माई ब्लड, उज्जैन नगरी से, भोलेनाथ की नगरी है उज्जैन,
उज्जैन, यस उज्जैन, यस 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 राइट, भोलेनाथ की नगरी उज्जैन, यस। बहुत शुक्रिया साहब, आपने बताया हमें। प्रहलाद जी हैं और लक्ष्मण मंडल हैं, हम बिहार वाले बड़े दिलदार होते हैं सर, बिल्कुल ये बात तो सही कही आपने, और दिलदार तो सभी हैं, कहा तो ये जाता है दिल्ली दिल वालों की। नहीं, एक्चुअली देखो ये चीज़ जो है, जो हिंदुस्तान के लोगों में जो दिलदारी देखने को मिलती है, अमूमन जो लोग बाहर रहते हैं और जब बाहर के देशों से पाला पड़ता, कई ऐसे दो लोग हैं जो इधर मिडल ईस्ट में रहते हैं और जब वो वापस आते हैं इंडिया तो उनको पता चलता है कि हम हिंदुस्तानी कितने दिल वाले हैं। बिल्कुल सही कहा, और बहुत सारे कमेंट आने, एक कमेंट आया था कि ऐसी कमेंट्री, माँ कसम कमेंट्री सुनकर नींद इतनी दूर भाग गई कि आने का नाम नहीं ले रही है। नूर भाई चलिए अब क्या करिएगा, अब ये तो गलती हम लोगों से हो गई कि आपकी नींद चली गई है। कुंदन है, सूरज सिंह है, आपकी आवाज़ अमिताभ बच्चन की तरह लगती है यार, तुसी गजब हो। अच्छा जी, और डी मेमर हैं, अपडेट दो सर, अपडेट अभी इकबाल ने अपडेट दी थी कि इस वक्त जो है इस मुकाबले को लेकर क्या है। दरअसल हो क्या रहा है कि जैसा अभी इकबाल ने पता किया उस कि बारिश जो है वो थोड़ा सा थोड़ी सी तेज़ हो गई है, और क्योंकि एक घंटे के करीब बारिश को होते हुए हो गया तो ओवर्स भी अब कटेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है, लेकिन अभी मैच को कॉल ऑफ नहीं किया गया, मतलब मैच की संभावनाएं अभी जिंदा हैं इस मुकाबले को लेकर। और आपको मैच चालू कब होगा, किलर बॉय का सवाल है। प्रमोद जी हैं, बिहार में क्राइम भी ज़्यादा होता है ये कह रहे हैं। लक्ष्मी डिजिटल फोटो स्टूडियो, हेलो सर। अभिलेश कुमार, सर जी कब चालू होगा। कुंदन जी हैं, और टॉप एनालिसिस, क्या आवाज़ है, बहुत शुक्रिया। और दिनेश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश दुबे जी, कुंदन जी हैं जी, हाँ बिल्कुल, आपके कमेंट्स लगातार हम एके हरियाणवी का, एके सिंह हरियाणवी साहब जो हमारे बड़े ज़बरदस्त लिसनर हैं, हमारे बड़े पुराने श्रोता हैं, हालांकि हमारा चैनल बहुत पुराना नहीं है, इस चैनल के माध्यम से जो पुरानेपन की बात है उसको हम कह रहे हैं दोस्तों के, वो कह रहे हैं कि मैं पागल हो जाऊंगा, हंसी रुक नहीं रही है, लगे रहो मैं पूरी नाइट आपके साथ हूं, लेकिन SMS नहीं करूंगा, लव यू। गर्लफ्रेंड के बाद आप दूसरे इंसान हो जिसको इतनी बार लव यू बोला है, 100% सच है इकबाल सर। ये अच्छे संकेत नहीं है इकबाल। देखिए कहीं नाराज ना हो जाए मोहतरमा, ध्यान रखिएगा। अरे हमारा लव यू तो ठीक है, लेकिन उस लव यू का ध्यान रखिएगा। जी 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 बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और संजय कॉमेडी ऑफिशियल मुजफ्फरपुर से, बचाओ पुल्स पुर से बोल रहा हूँ, मैच कब चालू होगा। तो कब मैच, तो मतलब अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं कि मैच कब चालू होगा, लेकिन हाँ ये कि मैच जब भी चालू होगा अब ओवर्स घटेंगे, और ओवर्स घटेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा कम कमेंट्री सुनने को मिलेगी। और जो मित्र कई बार मैं देखता हूँ आसिम की, कोई कई दोस्त हमारे बेचारे कमेंट्री लिखना चाहते हैं लेकिन कॉमेडी लिख देते हैं, तो कॉमेडी एक्चुअली आज हमने कॉमेंट्री के साथ साथ कॉमेडी भी कर दी, तो चलिए जी कॉमेंट्री के साथ साथ कॉमेडी भी हो गई, मजा आया होगा, भूल चूक लेनी देनी माफ, किसी के लिए भी कोई पैर भावना नहीं, किसी को कोई नीचा दिखाना या किसी प्रकार से कुछ भी नहीं, तमाम जितनी भी हस्तियां उनके लिए हमारे दिल में उतनी ही इज्जत है जितनी आपके दिल में इज्जत है, तो ये मजाक की बातें, और मजाक की बातें मजाक तक ही रहें तो अच्छी है, लेकिन सीरियस क्रिकेट जब होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या यही हम लोग थे जो इस तरह की मस्ती कर रहे थे। तो फिलहाल हमारे साथ रोशन कुमार जी हैं, और हमारे साथ ब्रदर जी, हमारे साथ ब्रदर ट्रेनी गेमिंग, हमारे साथ देव यादव जी हैं, सूरज सिंह हमारा लव यू आपके आसपास जी, मंसूर आलम जी हमारे साथ हैं, विजय निषाद जी हैं। अच्छा एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी नोटिस की है, हमने बहुत मस्ती मजाक की बातें की लेकिन स्तर गिरा करके नहीं, ना हमने बात की ना आप लोगों में से किसी ने कमेंट में कुछ ऐसा वैसा लिखा, विच इज़ वेरी गुड,
क्योंकि अब कई बार क्या होता ना कि मैच नहीं होगा, हम लाइव होंगे, या कई बार ऐसा होगा कि कुछ नहीं चल रहा होगा, बट आप चाहते हैं कि हम लाइव रहें, तो हम लाइव रहेंगे तो क्या करेंगे हम? जो कुछ लोग करते हैं कि बार बार वही स्कोर कार्ड, वही प्लेयर, वही तमाम चीज़ें दिखाते हैं और फिर कुछ उसका मतलब नहीं होता, अपने से प्लेइंग 11 बनाते हैं प्लेइंग 11 घोषित होने से पहले और आपको दिखा देते हैं कि भाई ये प्लेइंग 11 है, जबकि प्लेइंग 11 कुछ और होता है। बिल्कुल, नूर का कमेंट है कि अरे भाई कौन पूछ रहा है कि मैच कब चालू होगा? अरे भाई कोई मैच वैच चालू नहीं होगा, चुपचाप इस कमेंट्री को सुनो और मजा आ रहा है। साह संजय कॉमेडी ऑफिशियल 50525 हमारे साथ हैं, हाई फाइव दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। वीरेंद्र आर, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं क्या? अरे बोलेंगे। विजय निषाद जी हैं, कह रहे हैं वेरी गुड सर। नूर के अच्छा, तो वही बात है कि आप अगर मर्यादा में चीज़ें रहें तो फिर ये मस्ती कॉमेडी भी थोड़ी बहुत हम कर सकते हैं, जिसका मज़ा आने वाला है आपको भी और हमें भी, क्योंकि अगर यही हम क्रिकेट की बातें इतने एक घंटे से, पिछले एक घंटे से कर रहे होते तो शायद आप भी बोर हो गए होते। कर सकते हैं क्रिकेट की बातें, एकदम हार्डकोर क्रिकेट की बातें कर सकते हैं, बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी मन नहीं हो रहा है क्योंकि रात का टाइम है, आप भी थके मांदे आए हैं, सोने को जा रहे होंगे, तो कहाँ क्रिकेट ठूंसे हम आपके दिमाग में। इसलिए हमने क्या सोचा कि थोड़े हंसी हल्की फुल्की बातें हो, थोड़ा हंसी मजाक हो, तो शायद आप भी थोड़े हल्के महसूस करेंगे और हम भी ऑब्वियसली दिन भर के थके हैं यार, लेकिन आपका कमिटमेंट आप लोगों के प्रति ऐसा है कि साहब हम थके होने के बावजूद भी जो है आपके साथ जुड़ जाते हैं इस लाइव स्ट्रीम के जरिए। तो भाई आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हालांकि इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है, नथिंग मच टू अपडेट एज रेन कंटिन्यूज टू फॉल, मतलब कि अपडेट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि तेज बारिश जो है वो होने लगी है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है। बिल्कुल ताजा तरीन जो अपडेट है वो यही है कि बारिश जो है तेज होने लगी है बफेलो पार्क ईस्ट लंदन में, और मैच अगर होगा भी तो मुझे लगता है कि बहुत देर से हो जाएगा होगा। अरे सत्यम नील कमल जी जुड़ गए हमारे साथ, कह रहे हैं नमस्कार, बकर कीजिए कृपया, हम भी सुन रहे हैं इसलिए खास तौर पे। अरे सत्यम भाई स्वागत है भैया। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ एक साथी भी इस वक्त थे, पूछ रहे थे कि आप वही इकबाल भाई हैं क्या जो क्रिक ब्लास्ट पे कमेंट्री करते थे? भाई मेरा कोई हमशक्ल अभी तक आया नहीं है और ना ही इस हम आवाज़ कोई आया है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और सत्यम भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ वैनन भाई, और सत्यम भाई ये तभी से हम बकर ही कर रहे हैं और बकर प्रमोद जी हैं, कहते हैं अरे भाई सो जाओ सारे। तुषार जी हैं और जगजीत सिंह लिख रहे हैं वो आदरणीय मोदी सर का डायलॉग एक बार फिर प्लीज़। सूरज सिंह कहते हैं सर बारिश कब रुकेगी शुरू? और सत्यम जी हैं मोदी जी को प्रणाम, कहते हैं सत्यम नील कमल जी तो बहुत प्रणाम आपको। सत्यम जी आएगा भी नहीं ऊपर से। एक चैलेंज में सभी कमेंट करने वालों से क्या 5 मिनट के अंदर 1500 लाइक कर सकते हो? अब स्टार्ट कर दो लाइक करना। क्या बात है, नूर का ये कमेंट है, चैलेंज दिया है, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या बात है भाई, करेगा क्या? इस वक्त फरदीन खान है, अरे भाई मैच किस किस टाइम का है? इस मैच के बारे में तो मैच 10:30 बजे शुरू हो रहा था भारत के हिसाब से, समय के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, लेकिन सिर्फ 2 ओवर्स की गेंदबाजी हुई, उसमें एक मिडन था और एक ओवर ऐसा आया जिसमें एक चौका लगा, रॉड्रिगेज साहिबा जो हैं उन्होंने चौका मारा, और उसके बाद दूसरा ओवर जैसे ही ख़त्म हुआ सारे खिलाड़ी भागने लगे अचानक से, तो पता चला कि बारिश आ गई, आसमान भागो भागो। हाँ बचपन में वो कहानी पड़ी, हाँ, भागो आसमान गिरा, हाँ, वो लास्ट में पता चलता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, वो पुरानी कहानी आ गई। और इकबाल भाई लिमिटेड एडिशन है ये, सर्टिफाइड कमेंट है, ज़रूर लिया जाए। सत्यम नीलकंठ कह रहे हैं लिया जाए सर। अरे सर 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 कैसी बात कर रहे हैं सर, आपका कमेंट आपके लिए आया है। अरे सर 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर। सत्यम भाई थैंक यू, दिल से थैंक यू ब्रो।
वो गंगा जल फिल्म आई थी ना, उसमें ये डायलॉग था, नाइट हाल्ट होता तो आपका स्पेशल सेवा करने का मौका मिलता। लालू जी की आवाज एक बार और। अच्छा, अखिलेश पाल जी। अरे भंसिया अभी खोले नहीं है का? बरिंदर जी लगता है लात मार दी है। दो लत्ती मारी है का? दुख रहा है। यहाँ पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि ये कॉमेडी सुन के हम लोग लौट रहे हैं। आप लोग जो कर रहे हैं, कलीम आजम, बरसात के मौसम में क्रिकेट के आलम में मैं बल्ला उठा लाया और चौका भी लगाया, क्या कहने। अरे चौका दरतिया में लगा रहे हैं का? कलीम आजम। अरे कलीम जी, अरे घर पे भी आइए कभी, हमारे मित्र हैं, खास मित्र हैं और पास में ही रहते हैं। मुकेश कुमार को बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब मुकेश जो हमारे पुराने लेजेंडरी सिंगर हैं, जिनके 99% सॉन्ग्स जो है सुपर हिट रहे हैं, एक लौते ऐसे सिंगर हैं जिनकी हालांकि कम गाने गाए लेकिन जितने गाए वो सुपर हिट हैं लगभग। और ये बात भी हमें कलीम भाई से ही पता चली थी। बिल्कुल, कलीम भाई से पता चली थी। और बहुत खुद भी बहुत अच्छा गाते हैं, मुकेश को भी, किशोर कुमार को भी बहुत अच्छा गाते हैं। किसी दिन उनको लाएंगे लाइव में, और ऐसा ही कुछ कभी ऐसा मौसम होगा जहां क्रिकेट ना हो रहा हो तो आपको उनसे भी उनके गाने सुनवा करके आपको मनोरंजित करेंगे। बिल्कुल। और किशोर दा का इन्होंने एक गाना गाया है, तेरे जैसा यार कहां, वो गाना मैं भूलता नहीं हूँ। तो बहुत शुक्रिया कलीम आजम भाई, आपने उस गाने को गाया, वो हमेशा आपकी याद दिलाता है। और अभी रिसेंटली एक दिन मैं एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं बाहर निकला, भाई से मुलाकात हो गई, तो हम फिर मुलाकात हुई तो चाय पे चले गए, चाय पे चर्चा करने के लिए, क्योंकि हमारा तो चाय पे चर्चा फेमस है भाई। तो चाय पे इसके बाद हम लोग वहाँ से मोटर बाइक में उन्हीं की हम निकल गए। अब भाई साहब ये जो है बाइक में चलते चलते गुनगुनाने लगे, वो एक सलमा आगा का गाना है कोई, कौन सा गाना है यार वो सलमा आगा का? सलमा आगा कौन सा है, वो निकाह फिल्म का? शायद वो कोई सा गाना तो है वो, जब भी गा भी है, हाँ, फिजा भी है जवां जवां, सुना रहा है ये समा सुनी सुनी सी दास्तां। ओह क्या गाया था कलीम भाई, मतलब मेरी आंखें नम हो गई थी, इतनी खूबसूरत अंदाज में उस गाने को उन्होंने गाया था। रियली रियली, मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि मेरी आंखें नम हो गई थी, इतना खूबसूरत गाया इस गाने को उन्होंने। तो कलीम भाई आप तैयार रहिएगा इस गाने को एक बार फिर से गाने के लिए, क्योंकि मैं भी रोना चाहता हूँ। इस बेदर्द जमाने ने इतने जख्म दिए हैं कि आसिम भाई अपने आंसुओं को अपनी आंखों की गहराई में छुपा कर जमाने में फिरते हैं, लेकिन उनको कोई वो कांधा नहीं मिलता जहां पर वो अपने सर रख कर को दो पल के लिए रो सके। तो कलीम भाई आपका स्वागत है। कलीम भाई आपका स्वागत है। कलीम भाई का कमेंट भी आ रहा है, फजा भी है जमा जमा। और इस वक्त पंकज दास भी हैं। नूर सर, इतनी रतिया में भैंसिया मत खोलिए, नहीं तो कोई चोर समझ के पीट देगा। अरे भैया गजब दोस्त है यार हमारे, गजब यार। मतलब आप लोगों के भी कमेंट्स जो आ रहे हैं ना, मतलब अल्टीमेट, मतलब मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। आपकी कमेंट्री अच्छी लगती है, मैं रेडियो में विनोद कुमार की कमेंट्री सुनता हूँ। जोधपुर सुननी आज आपकी दिलदार कमेंट्री। ओके, रोहत टूर्नामेंट जोधपुर, ओ मास स्पोर्ट्स, ओके जोधपुर, मैं सुनी थी आपकी दिलदार कमेंट्री। तो ये साथ साथ क्रिकेट टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, दो जोधपुर में हुआ था और जी कमेंट्री के लिए गए थे हम थे और हमारे बड़े भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े आशीष भाई और वो भी थे, श्रीवास्तव जी भी थे क्या? श्रीवास्तव जी थे, दिलीप सरकर साहब भी थे। गजब गजब, अच्छा जी। और चीफ गेस्ट बन के आए थे और साथ में कपिल देव जी ने आके पुरस्कार वितरण किया था। और पुरस्कार वितरण समारोह कराया होगा श्रीवास्तव जी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त राहिल मीर जी हैं, अजमेर सिंह हैं, रोशन कुमार हैं, पंकज दास हैं, ओके डीके बेस्ट फैक्ट्स। सर मेरे चैनल का नाम ले लें, स्पेशली कुमार सानू एंड गुरुप्रसाद स्वामन जी कहते हैं, स्पेशली ऑफ कुमार सानू एंड किशोर कुमार।
गाने इनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, इसका मतलब उनका कहने का मतलब यही होगा। और दोस्तों लगातार आपके लोकेंद्र सिंह भी हमारे साथ आ गए हैं। लोकेंद्र सिंह क्या मस्क कमेंट्री सर, हालांकि हम एक घंटे से कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, बकर कर रहे हैं आप लोगों के साथ मिलकर के, रात है, बात है, आपका हमारा साथ है, तो बस यूं ही हम साथ साथ हैं, चलते चले जा रहे हैं। नूर कह रहे हैं कि बस करो सर, इतना दर्द भरी शायरी मत सुनाओ, कलेजा बाहर निकल कर फड़फड़ा रहा है। अरे भैया जल्दी अंदर कीजिए उसको। हाँ बिल्कुल, आजकल तो भैया जल्दी अंदर कीजिए, इतना पॉल्यूशन है, कलेजा का है अपना पॉल्यूट कर रहे हैं, जल्दी अंदर कीजिए उसको। अच्छा जी, बोल सर बोलिए, सानू लाइक करें कसम पर पहुंचे, समझ नहीं आया, आप दोबारा से कमेंट करें। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए मैच को लेके, कहते हैं विवेक पांडे। विवेक पांडे जी हैं हमारे साथ, जिन्होंने कहा था कि गर्लफ्रेंड के बाद हमें कमेंट कर रहे हैं वो। बैक बेंचर्स, क्या मैच अबेंडन हो गया है? बैक बेंचर्स, लेट्स सी व्हाट इज द लेटेस्ट अपडेट। इट्स बीन 70 मिनट्स सिंस द इंटरप्शन, लॉस ऑफ ओवर सीम्स ऑलमोस्ट सर्टेन इफ प्ले स्टार्ट्स। ओके, तो अब ये तो ज़रूर है कि ओवर्स कटेंगे ही। अरुण कुमार सिन्हा, लगता है आज का मैच कैंसिल हो जाएगा, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या आपका फैसला है? राबिया महनूर, पाकिस्तान से वेलकम तो करें। बिल्कुल राबिया जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, भारत से हमारी कमेंट्री जा रही है और सरहद के उस पार पहुंच रही है, कमेंट्री आप सुन रही हैं, तो बड़ा शुक्रिया आपका। और इस वक्त राबिया महनूर हमारे साथ पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में कहाँ से ये भी बताइएगा, जैसा कि हम अमूमन अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं। नवदीप चहल हैं, लव फ्रॉम पंजाब सर। नवदीप चहल जी, अरे आपके नाम में नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल दोनों हैं, क्या कहने। चहल जी आप पंजाब में हैं, तो पंजाब से, पंजाब में कहाँ से ये बताएगा। रुपेश कुमार, फिलहाल पानी है, मैच बह गया। ओके, रविकांत मिश्रा बनारस से, लहरतारा से हैं। अच्छा जी, रविकांत जी क्या कहने जी, मज़ा आता है यार बनारस में, दो चीज़ें बड़ी पसंद हैं, वहाँ की चाय बड़ी ख़ास है, सुबह बहुत सवेरे भी आँख खुल गई आपकी, चार पाँच बजे भी आप निकल गए बाहर, तो आपको चाय बढ़िया मिलती है। जिस शहर में चार पाँच बजे सुबह तक चाय मिले, वो शहर मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि आसिम अपन जैसे लोग हैं, मतलब यार कि कई बार टूट जाता है चाय ढूंढते ढूंढते नए नए शहरों में। अरे मतलब चाय, और हमने चाय के चक्कर में तीन तीन चार चार किलोमीटर के सफर कर लिए ऐसे कि यार चलो वहां चाय मिलेगी, वहां चाय मिलेगी, और अच्छी चाय, अच्छी चाय। यस, क्या अपडेट है सर? अपडेट तो यही है सर कि बारिश हो रही है। अजमेर सिंह का ये कमेंट है। रोशन कुमार, मैच कब से चालू होगा जी? उम्मीद करते हैं स्मृति मंदना हो गए तो अच्छा खेलेगी ना सर? बिल्कुल खेल रही हैं स्मृति मंदना, क्रीज पर नॉट आउट रही थी जब बारिश हुई है। अरे ओवर कटने दो सर, क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो आपकी कमेंट्री अच्छी लगती है। नूर कहते हैं, बहुत शुक्रिया नूर, आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। और बिल्कुल बिल्कुल मुझे भी लगता है, क्योंकि इस मैच की कोई बहुत अहमियत है नहीं। हाँ भारत खेलेगा और दक्षिण अफ्रीका भी खेलेगा, तो क्या कहते हैं आप लोग ज़रूर बताएं। ब्रजेश कुमार, अरे भाई बारिश कब रुकेगी? इकबाल सर इंसान हैं, भगवान नहीं है, बताएंगे कब रुकेगी बारिश। अच्छा ये हमारे केस को डिफेंड कर रहे हैं। यस क्या बात है ब्रजेश भाई, अरे एकदम तगड़े लॉयर निकले आप एकदम, मतलब बताइए, अरे भाई बारिश कब रुकेगी? इकबाल भाई इंसान है, भगवान है, बताएंगे कि कब रुकेगी बारिश। क्या बात है ब्रजेश भाई, वाह गजब, बहुत अच्छे। तो ज़्यादा ही तो भैया इस वक्त जो है बारिश की वजह से मुकाबला जो है शुरू होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा है। अब आप लोगों का क्या फैसला है ये बता दीजिए, हम ऐसे बकर करते रहें, आप झेलते रहेंगे, या हम स्ट्रीम बंद करें, हम भी अब अपना कंबल अम्बल ताने और ज़रा हम भी थोड़ा सीधे हो जाएं। हाँ अगर नहीं मैच हो रहा है तो ज़रा हम भी सो लें, क्योंकि कल शाम को तो फिर मिलना ही है आप लोगों से, पौने सात बजे मुकाबला होगा कल। तो दोस्तों आप लोग अपना फैसला सुनाइए फटाफट, क्या अब ये स्ट्रीम हमें बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि मैच में लेटेस्ट जो अपडेट है वो ये है कि अभी भी बारिश हो रही है। अगर बारिश हल्की हो रही होती तो हम सोचते कि चलो उम्मीद करते हैं कि बारिश रुकेगी, लेकिन बारिश तेज़ ही हो रही है और अभी ये तय नहीं है कि कितनी देर तक बारिश चलेगी। तो ऐसे में अगर आपकी इजाज़त हो तो हम
आपसे विदा लें और कल शाम को 6:45 पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो दूसरा T20 मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा उस मुकाबले की कमेंट्री के साथ आप लोगों के बीच में उपलब्ध हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। स्पोर्ट्स कमेंट्री बाय मोहन हमारे साथ, कह रहे भाई हमारा भी नाम ले लो। जी मोहन भाई आपका भी नाम ले लिया, चैनल जरूर, अगर आप मित्र जो है कमेंट्री के शौकीन है तो स्पोर्ट्स अपडेट बाय मोहन उनका भी चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा, जाइएगा। ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छे लड़के हैं, कमेंट्री करते हैं, आप लोग उनके चैनल को भी जाइए और प्यार दीजिए। विवेक पांडे, कल का मैच का लाइव अपडेट, कल का मैच जो है लखनऊ में है और कल के मैच में बारिश की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल स्मूथ 2020 का मुकाबला यानी 40 ओवरों का मैच होगा। तो ज़्यादातर हमारे जो मित्र हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग सो जाओ सर, है ना, तो शुभचिंतक हमारे हैं, 20 rupees की पेप्सी क्रिकेट अनफोल्ड की कमेंट्री आप लोग समझ गए। हिमांशु का ये था, चलिए जी हिमांशु भाई ठीक है जी। तो ज़्यादातर आप लोगों के जो कमेंट में देख पा रहा हूँ वो ज़्यादातर गुड नाइट ही कह रहे हैं और कह रहे हैं आप लोग सो जाएं कल ताकि फ्रेश हम आपसे मिलें शाम के 6:45 पर। तो दोस्तों आप लोगों से इजाज़त का समय, कल यानी कि रविवार को 29 जनवरी को आप लोगों से मुलाकात होगी शाम के 6:45 पर। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद इकबाल और आसिम जराजपुरी को इजाजत दीजिए, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।